Audible, everyone. It's a, portable portable. It's it's a, a voice, voice clearer. Audible, portable. all of you. Okay, good. Yes, yes. good afternoon. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू इसबल एवरेबल ओके ठीक है सबको थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव रहो आपके रिप्लाई इम्पॉर्टेंट है और उससे समझ में आता है कि है ना आप लाइव लेक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो प्रॉपर एंड तक बने रहे आज हम कंप्लीट यू पी एस सी के टॉपिक वाइज में बायोडासी चैप्टर एंड पोल्यूशन चैप्टर है ना इसके पूरे पी देखने वाले जितने भी बायोडासिटी पे लास्ट दस साल में क्वेश्चन आए थे वो सब देखेंगे और उसके बाद फिर हम नेशनल पार्क सेंचुरीज दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा बायस रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व टाइगर रिजर्व इस पर जो भी क्वेश्चन आए थे तो उसका भी कवरेज देखने वाले हैं तो क्वेश्चन का भी अंदाज़ा आ जाएगा जिनका इस बार फिल्म है ट्वेंटी उनको तो मस्ट है बाकी स्टूडेंट जो ट्वेंटी ट्वेंटी 26 याना, इसके ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है भले ही अभी वो क्वेश्चन आपको, आपको वो नहीं समझ तो तो में आएगी बट दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी का क्या अप्रोच है ओके वो अंडरस्टैंड आपको अगर करना है तो दिस दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑलम ओके तो लास्ट तक बने रहो और यस आज हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज्यादा है और क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा इसलिए क्या है कि हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रखेंगे एंड स्टिल अगर किसी को एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि सर इसको मोर एलेबरेट करो या मोर एक्सप्लेन करो तो फिर उस क्वेश्चन में मैं और थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा इसलिए थोड़ा एक्टिव रहो लाइव सेशन का यस yes, मीनिंग ही वही है कि आप थोड़ा लाइव यहाँ पे आपके जो डाउट्स हो गए थे वो पूछ सकते हो ठीक है करें फिर शुरू तो पहले हम बायोडासी को टारगेट कर रहे हैं देन आफ्टर दैट हम टारगेट करेंगे पोल्यूशन चैप्टर या नेशनल पार्क सेंचुरी चैप्टर ठीक है और लास्ट में फिर होगा थर्ड टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज पोल्यूशन ओके तो चलो आज काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है तो यस बने रहो बस एंड तक वही सबसे इम्पॉर्टेंट है चलो लेट्स स्टार्ट देन बायोडाइवर्सिटी ओके बायोडाइवर्सिटी देखते हैं चलो ठीक है बाकी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी अगर डिटेल और भी लेक्चर चाहिए तो आप इस मुझे मुझेडमी के प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हो सुमित कोंडे टाइप करके वहाँ पे आपको और भी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब पे भी अनस्टॉपेबल के प्ले लिस्ट पर जाके आप अदर भी सेशंस एक्सेस कर सकते ठीक है चलेगा तो चलो आई होप सब आ गए ऑनलाइन ठीक है करते हैं फिर शुरू फर्स्ट क्वेश्चन 2022 से हम रिवर्स जा रहे पीछे तो 2022 के बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऐसे ही रिवर्स करके हम कंप्लीट वो देखेंगे तो है ना तो देखो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है गुच्ची नाम से कुछ समटाइम इन द न्यूज़ तो बताओ इसके रिलेटेड क्या सही रहेगा आंसर क्या है करेक्ट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सबको और प्लीज़ एक कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर लिख के रखो जिनका ट्वेंटी थ्री का अटैम्प्ट है या ट्वेंटी फोर जिनका एटलीस्ट प्रिपरेशन हो चुका है एनवायरमेंट का वो एक साइड पे क्वेश्चन नंबर लिखे जैसे वन नंबर आपका राइट right है या रॉन्ग है एंड जो टॉपिक आपका गलत रहा उसको भी लिख के रखो ठीक है तो so दैट आपको सेल्फ एनालिसिस बेहतर होगा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन समझ लो आपका गलत हो जाता है तो सेकेंड अगर गलत हो जाए तो फिर उस टॉपिक का नेम लिखो है ना नेम ऑफ दैट टॉपिक इससे आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपने अगर एनवायरमेंट कंप्लीट किया भी नहीं आ रहा है सो दैट इज देर विल गेट टू नो दिस टॉपिक चलो बाकी स्टूडेंट जिनका अभी तक एनवायरमेंट हुआ नहीं है बस आप एन्जॉय करो लेक्चर देखो बस अंडरस्टैंड करो क्या है क्या इतना किया तो भी चलो okay. क्या sure. आंसर होगा आंसर विल बी सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन राइट तो आंसर क्या है वन एंड टू लिखा आप लोगों ने इज़ दैट करेक्ट तो ये फंगस एक क्या बिल्कुल है एंड इट ग्रोज इन द सम हिमालय फॉरेस्ट एरियाज यस yes, देखो ये ऐसी फंगस इस प्रकार की दिखेगी आपको गुच्ची नाम से जिसको तो काफ़ी डिमांड है और ये हिमालय के वेस्ट पार्ट में है ना no. तो हिमालय का अगर वेस्ट पार्ट देखोगे तो वहाँ पे हिमालय के वेस्ट पार्ट में आएगा और उन्होंने क्या दिया था कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिया देखो तो इट इज़ इन द यस फूटिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली ये फेमस है जम्मू कश्मीर हिमाचल है ना उत्तराचल उत्तराखंड या <coughs> जम्मू कश्मीर इस लद्दाख वगैरह एरियाज में भी थोड़ा सा साउथ आपको मिल जाएगा राइट तो ये है गुच्ची नाम से और ये एक फंगस है क्या बिल्कुल इट इज़ दस फंगस इन द फैमिली मार्किलियस एस्को माइकोटा नाम से कहता है तो वन ऑफ द मोस्ट स्पॉट आफ्टर द एडिबल मशरूम एडिबल है ये देखो राइट एंड थोड़ा सा स्पंजी काइंड ऑफ अपेरेंस है उसका एंड हनी कोम जैसा देखो है ना उसके कोम जैसा होता है वैसा दिखता है तो ये तब न्यूज़ में था देखो तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आया था तो डोंट फरीक सर इतने सारे फंगस है कैसे याद रखें देखो जो न्यूज़ में थोड़े से उतने तो देखने हो गए आपको राइट सो इट वॉज इन द करेंट अफेयर्स ठीक है चलो पहला क्वेश्चन समझ में आया पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ अगर कुछ न्यूज़ में फंगस है ना या कोई कोई भी स्पीसीज अगर पर्टिकुलर न्यूज में है तो उस रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज टू रैंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड यस yes, क्या होगा आंसर यस नॉट अ बर्ड दिया है यस आंसर विल बी ए गोल्ड गोल्डन अब देखो 2022 में तो ये क्वेश्चन था ही पर इसके पीछे भी हम अब और 19 का अगर पेपर देखने वाले तो तब भी ये फिर से एक स्पीसीज आपको दिखेगी या एक फिश की स्पीसीज दिखेगी देखो ये गोल्डन मैसिर है ठीक है तो इट इज़ द टाइप ऑफ़ फिश और देखो 2017-18 में सॉरी 19 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था ब्लू फिल मैस्टर के बारे में तो मतलब क्या है ना देखो जब अगर कोई इसके रिलेटेड कंजर्वेशन हो या फिर आ, इसको मतलब ये कंज्यूम भी की जाती है बट कावेरी रीजन होगा या फिर वेस्टर्न घाट के रीजन से इवन महाराष्ट्र में कुछ लोनाला वगैरह रीजन से तो वहाँ पर इसको कंजर्व किया गया था या फिर उसके नंबर बढ़ाए गए थे और फिशिंग एक्टिविटी हम बढ़ा रहे थे राइट ऐसे नहीं कि बहुत कंजर्व कर रहे मतलब इसको बैन किया क्या ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है है ना यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अलाउ किया गया था मतलब अलाउ तो है ही बट उसको मोर नंबर्स हम इंक्रीज कर रहे थे और इसको कंज्यूम किया जाता है डेफिनेटली कंज्यूम किया जाता है इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश ओके तो देख लो बाकी इंडियन नाइट चार होगा स्पून बिल वाइट इस एक्सेट्रा सो दीज आर डेफिनेटली बर्ड्स ओके तो ये बर्ड्स के कैटेगरी में आता है तो मतलब देखो अगेन क्वेश्चन टाइप स्पीसीज इन द न्यूज अब आप देखो रैंडमली कोई भी फिश पढ़ने जाओ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इतने सारे इंडिया में फिश की स्पीसीज है अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा तो जब भी कोई कंजर्वेशन होता है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज फिश के स्पीसीज के रिलेटेड देन ओनली गो फॉर दैट ओके ठीक है और ये कैसे समझेगा आपको तो बस अपना करंट अफेयर से अपने सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैं नोट्स आपको सेंड करता हूँ मंथली मैगजीन सेंड होता है या डेली के करंट अफेयर्स के छोटे छोटे पी डी सेंड होते हैं तो उसमें ऐसे एस जो भी है वो पूरे कवर्ड है ओके okay? तो वहाँ से कर ले करंट अफेयर्स ठीक है और वो पूरा कंपाइलेशन मतलब सब्जेक्ट का पूरा बहुत अच्छा कंपाइलेशन है वहाँ से ऐसे सब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपकी हिट हो जाएंगे ठीक है चलो नेक्स्ट है देखो इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी का क्वेश्चन है मोरिंगा विच इज is पॉपुलरली known as drumstick देखो क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर एग्जैक्टली एग्जैक्टलीस थ्री फोर फाइव ले सकते हैं वेरी गुड पढ़ लिया सबने पास नहीं हो रहा है ना पढ़ लिया प्रॉपरली ओके गुड तो आंसर विल बी थ्री फोर फाइव क्योंकि टैमरिन सॉरी मोरिंगा ये जो पहला दिया है डमस्टिक लेग्युनेस एवरग्रीन ट्री दिया है सो so, बेसिकली क्या है कि देखो ये डमस्टिक इज वन ऑफ द रेयर प्लांट्स बिसमल हु सीड एंड फ्लावर लिवस आर एडिबल एक्सट्रीमली न्यूट्रिशंस होती है अंडरस्टूड एंड इसमें अगर देखोगे तो ये पिक्चर आपने कभी देखा होगा ये ऐसे डमस्टिक सिंग कहा जाता है ना जो हम खाने में भी कई बार सब्जी में यूज करते हैं तो ये है काफ़ी न्यूट्रिश होती है बट इट इज़ नॉट अ लेग्युनेस क्रॉप लेग्युनेस मतलब क्या होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग प्लांट्स ऑफ द पी फैमिली ओके एंड इसके अंदर मतलब आप देखोगे दिस हैव द सीड इन द पॉड्स तो उसके कवर्ड होते हैं सीड्स एंड डिस्टिंक्टिव फ्लावर एंड टिपिकली रूट नोड्यूल्स होते हैं इसमें और कंटेनिंग सिम्बॉटिक एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी काफ़ी अच्छे से करता है ओके okay, जो लेग्यूमिनस क्रॉप है इसमें देखो पूरी ये लिस्ट आपके सामने काफ़ी सारे uh, ये बीन्स वगैरह जो आते हैं ना वो इसमें आते हैं जैसे पिंटो बीन नाम से चिकपी नाम से ब्लैक बीस नाम से तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं लेंटियस होगा पीस होगा किडनी बीन्स हो गए राइट इवन देखो यहाँ पे भी कुछ लिस्ट है ब्लैक बीन बोस्टन बीन चिक पी, है ना तो इनका थोड़ा सा एक बार आप जस्ट uh, ना ओवरलुक कर लेना तो ये सब जो हम कहते हैं ना बीन्स कैटेगरी में आता है ओके okay. यस yes, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल जाएगा बट दिस इज बेसिकली प्लांट एंड उसके रिलेटेड नहीं आएगा सेकेंड एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है देखो पहला तो चलो रॉन्ग हो गया सेकेंड क्या इन इंडिया मोस्ट टैमरिन इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ठीक है तो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड हाँ सॉरी सेकेंड तो देख लिया हमने सेकंड uh, देखो टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया मतलब सिर्फ साउथ एशिया में मिलती है कि ये टैमरिन जो दिख रहा है आपको जिसको इमली इमली कहते हैं ना वो वाला तो so, इमली सिर्फ इंडिया में ही मिलता है क्या साउथ एशिया में ही मिलता है क्या नो बेसिकली इट इज एंडेमिक टू अफ्रीका साउथ अफ्रीका समझ तो में आ रहा है सबको देखो टैमरिन इज़ अ लेग्यूमिनस ट्री बियरिंग एडिबल फ्रूट्स दैट इज़ इंडीजीनियस टू ट्रॉपिकल अफ्रीका बट ये अफ्रीका से बाहर फिर यू नो दैट कि हम भी ग्रो कर लेते हैं अफ्रीका से हमारे यहाँ पे लेके आ गए अब एशिया में तो वाइडली ग्रो किया जाता है और हमारे चटनी बिटनी में आप खाते हो ना चटनियाँ खाते हो कि नहीं बेल खाते हो पूरी खाते हो है ना पानीपुरी होता है तो उसमें भी इमली की चटनी वगैरह होती है देखो तो इसलिए हमारे यहां पे ये वाइडली ग्रो किया जाता है बट इट इज इट इज नेटिव टू इट इट इज नेटिव टू अफ्रीका पार्ट ट्रॉपिकल अफ्रीका वॉट इट एवरी वन यहां तक क्लियर है सबको एवरी वन अंडरस्टूड तो इसलिए सेकेंड एंडेमिक टू साउथ एशिया ये गलत रहेगा अफ्रीका में भी बिलोंग करता है बस रही बात अब तीसरा तो ये तो ये uh, मतलब क्या माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूसर टू थाउजेंड सिक्स का फॉरेस्ट राइट एक्ट इसमें फॉरेस्ट माइनर राइट्स क्या होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूट के राइट right क्या होते हैं वो दिया है हो सके तो आज इसको देख लो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है तो उसमें टैमरिन भी बिल्कुल आता है मतलब ट्राइबल लोग इसको काफ़ी प्रोड्यूस कर लेते हैं या जनरेट करते हैं राइट एंड इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा यस एग्जैक्टली करेक्ट उसके भी सीड्स का यूज होता है एक्सपोर्ट भी होता है एंड यस इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफेल तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके सीड्स को उतना हम बायोफेल में यूज़ करेंगे ऐसा तो इतना ज़्यादा मतलब यूज़ कर ऐसा तो दिया नहीं है सो so, यस uh, yes, हाँ बट यस uh, yes, मतलब यूज़ किया अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब वाइडली यूज़ होता है ऐसा कुछ है तो यस इट इज़ जनरल स्टेटमेंट बेसिकली फाइव इज़ द जनरल स्टेटमेंट थ्री फोर फाइव इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके बस क्या करना है वन एंड टू कट करना है ओके ओनली वन एंड टू इज़ रॉन्ग बाकी थ्री फोर फाइव इज करेक्ट एवरीवन चलो तो समझ में आया पूरा क्वेश्चन क्लियर है सबको यस पहला मोरिंगा मतलब वो ड्रम स्टिक जो हमने देखे तो वो गलत होगा एंड सेकेंड टैमरिन जो है इमली वाला जो पेड़ होता है तो वो एंडेमिक टू अफ्रीका है मतलब एंडेमिक टू नेटिव टू अफ्रीका है बट अब साउथ एशिया में भी लिया जाता है और अफ्रीका में भी लिया जाता है एंडेमिक बोलना यहां पे गलत होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिल्टर फीडर 2021 का क्वेश्चन है फिल्टर फीडर ये फिल्टर फीडर फिल्टर फिल्टर समझ में तो आया ना फिल्टर फिल्टर मतलब जब आ, कोई फिश होती है या कोई एक्वाटिक स्पीसीज होगा जब वो खाना खाता है तो अपने आप वो इस पूरा पानी के साथ वो एक साथ है ना स्वेलो कर लेता है और बाद में फिर जो फूड पार्टिकल वो अटक जाता है और बाकी पानी अपने आप निकल जाएगा तो उसको कहते हैं हम फिल्टर फिल्टर होता है जैसे उनमें जो खाना है बराबर फंस जाएगा और बाकी फिल्टर हो जाएगा इस आंसर विल बी कैटफ़िश दिया है देखो ऑक्टोपस है और ऑइस्टर एंड पेलिकन देखो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिख रहे हैं आंसर विल बी सी वेरी गुड ऑइस्टर उसका आंसर है एंड फिल्टर फिल्डर सस्पेंशन फीडिंग एनिमल दैट फीड बाय सस्पेंडेड मैटर फूड पार्टिकल्स फ्राम वाटर वाटर से देखो ये चुन चुन के निकालते हैं एंड इस इसमें देखो ये ये पैटर्न दिखेगा ये में से बहुत अच्छा समझ में आएगा कि देखो जब पूरा खाना है देखो ऐसे कुछ स्वेलो कर लेता है नॉट नेसेसरी पूरी फिश हो बाकी मतलब ओवरऑल अगर फ्रैगमेंटेड फूड भी होगा तो वो भी हो सकता है राइट मतलब तो अगर कुछ मछलियाँ मर चुकी है या फिर कुछ खाना है दूसरा है ना तो वो भी अगर मर चुका है तो वो भी स्वेलो कर लेते हैं तो देखो इस प्रकार से वो फिल्टर हो जाता है दिख रहा है सबको <coughs> तो ये फिल्टर कर लेती मतलब एक प्रकार से फिल्टर कर लेती है ये ऑयस्टर काफ़ी अच्छे से करते हैं और बाकी छोटे भी स्पीसीज हो सकते हैं ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ फिश ही होने चाहिए बाकी भी ये जैन क्लैम नाम से आता है सी स्पंज आता है ये भी उनमें भी ये कैरेक्टर्स हैं ओके तो देखो मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर कैरीज पार्टिकल ऑफ़ फूड इन थ्रू सिफन एंड म्यूकस ऑन गिल्स है ना ट्रैप्स पार्टिकल ओके तो वो पूरा ट्रैप उसको कर लेता है ठीक है समझ में आया मतलब ट्रैप कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को from water and typically by passing the water over the specialized filtering structure इसे हम छान लेते हैं ना पानी को उस प्रकार से right? राइट समझ लो छान लिया और फिर उसमें जो खाना अटका है वो, वो कर लिया वो खा ले गया है न ठीक तो है तो ऑइस्टर ये फिल्टर फिल्टर है मीनिंग दे ईट द पंपिंग बाय पंपिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडीज एंड वाटर इज पंप्ड थ्रू द ऑइस्टर गिल्स एंड एंड अदर बिकम ट्रैप्ड इन द म्यूकस ऑफ द ओके okay, तो इसको कहते हैं फिल्टर फिडर ओके okay, तो ये जो है तो वो होता है ऑइस्टर में नॉट इन ऑक्टोबस ओके चुन चुन के खा लेता है चलो बाकी भी देख लेना एक बार फिर और ये सेम फीचर है व्हेल में भी आता है ये फीचर ब्लू वेल्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स एंड बाकी फिर ये सी स्पॉन्ज वगैरह इसमें भी मिलेगा ओके okay, तो इसकी लिस्ट थोड़ी सी देख लेना अगर हो सके तो ठीक है चलो ग्रेट नेक्स्ट है मॉस्किटो रिपेलेंट दो हज़ार इक्कीस का क्वेश्चन है नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट कौन सा ना तो बोलेगा सर गुड नाइट है ना हमारे घर में वो नहीं वो नेचुरल नहीं है ठीक है तो बेसिकली नेचुरल कौन सा होता है मतलब तो ग्रास है इसमें से तो वो कौन सी ग्रास है देखो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लोगों को बाउंसर लगता है कि सर एग्जाम में गए और ऐसा पढ़ के तो है ना बिना काटे ही मच्छर काट लिया तो मतलब क्या होता है कि देखो टेंशन में आ जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन का कैसे हिट कर पाएंगे हम कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में जो हवा आती है तो वो मेकेनिज्म क्या है फिर मतलब थोड़े से वियर्ड लगता है हमें क्वेश्चन बट देखो ये जनरल नॉलेज है है ना और कोशिश करो कि यू कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है वो थोड़ा सा चेक करो या डिफरेंट चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है ऐसे एक आधा दो एक आधा दो क्वेश्चन देखे गए हमेशा देखे गए तो थोड़ा अवेयर रहो जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स परचेस करते हो तो उसके पीछे देखा करो जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सन रेज आती हीट होती है अब हीट वेव वे इस बार बोला जा रहा है राइट हीट इतनी इंटेंस होगी तो फिर उस पर ये कौन सा प्रोटेक्शन ज़्यादातर होता है यू बी होता है या यू ए होता है या यू सी होता है राइट तो ये हमें थोड़ा देखना चाहिए फिर तो तब हमें अल्ट्रा वॉयलेट रेस समझ में आ जाएगी तो बी अवेयर है ना यू पी निकालना है मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ के ही ख़त्म नहीं करनी है तो हमें थोड़ा अवेयर भी रहना है राइट ये भी थोड़ा ध्यान में रखो तो आप जब मॉस्किटो रिपेलेंट कोई लेते हो तो उसमें नेचुरल वगैरह होते हैं तो नेचुरल क्या होता है तो यस तो आंसर विल बी लेमन ग्रास तो देखो लगभग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी प्रकार के ऐसे कुछ अलग अलग आते हैं अब एक बार क्वेश्चन आ गया तो ये बार बार भी आ सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके तो यू मस्ट नो अबाउट दिस तो देखो एक तो लेमन ग्रास है बिल्कुल है ठीक है देन औरगैनो नाम से भी एक आता है जो आप पिज़्जा में वगैरह है ना ऊपर से डालते हैं ओरैगनो वगैरह पता होगा ना आपको तो वो भी एक प्रकार से अच्छा रिपेलेंट बोल के काम करता है पेपर मिंट भी होता है देखो मिंट मिंट जो होता है ना वो भी आप रख सकते that, uh, lavender, हो बेसे लेकर आता है देन आफ्टर दैट लैवेंडर पता होगा ना एकदम लेवेंडर कलर के, के फूल होता है राइट तो लेवेंडर एक का एक वो भी काम करेगा रेपेलेंट का देन गार्लिक भी अच्छा काम करता है ठीक <coughs> है तो ये सम ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स हैं ओके बाकी यहाँ पे भी मैंने लिस्ट दी है इसका पीडीएफ मैं बाद में दे दूँगा ओके एंड इवन देखो अभी एक और स्पीसीज यहाँ पर न्यूज़ में चल रही है लैंटेना एंड लैंटेना या फिर इवन यू कैलिप्टस भी होगा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द लैंटेना कैमरा ओके दिस स्पीसीज इन द ना नाउ दिस फ्लोरा स्पीसीज इन द न्यूज़ तो ये क्या है कोई बता सकता है लैंटेना कैमरा नाम से एक चल रहा है अभी न्यूज़ में ये वेरी गुड प्रिया येस yes, प्रिया अदर स्टूडेंट बाकी सभी आंसर करें ज़रा तो ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि वेस्टर्न घाट में आजकल मतलब कुछ दो तीन महीनों से दो स्पीसीज ने काफ़ी इन्वेजन मचा के रखा है राइट इन्वेजन हो चुका है मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और नेटिव जो इको उसको डैमेज कर रही है उसमें से एक है लैंटना कैमरा एंड दूसरी कौन है यस दूसरी कौन है चलो और एक कौन आती है बताओ फास्ट सेन्ना स्पेक्टाबलिस है ना तो वो कौन सी है सैन्ना स्पेक्टाबलिस तो ये थोड़ा याद रखो अभी आज, अभी काफ़ी सारा न्यूज़ में चल रहा है सैन्ना स्पेक्टाबलिस एंड लेंटेना कैमरा ठीक है तो ये न्यूज़ में है तो चलो ये तो नहीं है मॉस्किटो रिपेलेंट बट हाँ दिस इज द मॉस्किटो रिपेलेंट है मतलब जो लैंटेना कैमरा जो है तो मॉस्किटो को काफ़ी रिपेल कर है ठीक है चलो मतलब ये मॉस्किटो मारते नहीं है है ना रिपेल करना मतलब क्या होता है रिपेल मतलब वो दूर रखते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपको ये ग्रास मैंने रख दी सर मच्छर तो नहीं मर रहे हैं रिपेल करना मतलब क्या रिपेल कर रहे हो ना yes. चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेलॉन प्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चीन मिनिबेट वाइट थ्रोटेड रेड स्टार तो क्या है ये <laughs> <laughs> तेजस्विनी वंदना अपूर्वाषा साइली अपूर्वास yes, क्या आंसर होगा यस आंसर विल बी बर्ड्स सिंपल है ये क्या है बर्ड्स है तो देखो ऐसे थोड़ा हल्का हल्का देखो तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट नेशनल पार्क जब पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो पूरे स्पीसीज के स्पीसीज याद रखने की कोशिश करते हैं बट ये बेसिक वाली चीज़ भूल जाते हैं यार देखो पूरे स्पीसीज लर्न मत करो बट हाँ एक एक कि मुझे कुछ ना कुछ एक क्या कहते हैं कीवर्ड आना चाहिए है ना तो कीवर्ड में मिनीवेट वगैरह बारबेट मिनीवेट ये जो अब देखोगे तो, है ना तो यस फ्रॉग माउथ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है डेफिनेटली है क्योंकि फ्रॉग माउथ या फ्रॉग माउथ में मतलब फ्रॉग के भी एक स्पीसीज के कुछ स्पीसीज के नाम फ्रॉग माउथ वगैरह ऐसे कुछ देखे गए बट हाँ बारबेट होगा मिनीवेट होगा है ना दिस वर्ड दिस वर्ड आर रिलेटेड टू दिस बर्ड्स दिस टाइप ऑफ बर्ड्स ठीक है पॉइंट तो ये है फ्रॉग माउथ दिख रहा है ये फ्रॉग माउथ थोड़ा सा ना ब्राउन कलर में ओल जैसा थोड़ा बहुत दिखता है ठीक है तो ये है बाकी फिर मिनीवेट वगैरह ये सब अलग अलग बर्ड की स्पीसीज काफ़ी फेमस स्पीसीज है और इस बार इस इंडियन संगबर्ड एंड जो संगबर्ड नाम से एक आता है ना जो किसके साथ रिजेंबल करता है थोड़ा इंडियन संगबर्ड किसके साथ रिजेंबल करता है हमिंग बर्ड के साथ तो अब ये न्यूज़ में चल रहा है फिलहाल के लिए तो देखो ऐसे अगर न्यूज़ अभी एक साल के करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी कवर कर ही रहा हूँ मेरे प्रोफाइल पर आप चेक कर सकते हो या इवन सुमि नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आप पूरे कंपाइलेशन देख सकते हो तो अभी जो बर्ड्स ऐसे कुछ न्यूज़ में चल रहे थे उनके एटलीस्ट नाम याद रहे कि संगबर्ड थोड़ा हमिंग बर्ड जैसा दिखता है नॉट लाइक एग्जैक्टली सेम बट उसके जैसा है ठीक है तो फिर उनमें चेक कर लो कि दोनों में क्या है क्या नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर इसका क्या था फिर यस दिस बारबेड मिनीवेट एक्सेट्रा दिज आर द टाइप ऑफ बर्ड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस विश्वा गुड एंड यस सभी एंड तक बने रहो क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी है इम्पॉर्टेंट है देखो कोई भी मतलब स्पेसिफिकली मैं तो एनवायरनमेंट के लिए कहूँगा कि एनवायरनमेंट में अप्रोच समझना ज़रूरी है और वो सिर्फ पी से समझ सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में बुक से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर है अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे ये बुक से नहीं आप देखो समझ लो ठीक है कुछ तो भी रैंडमली पूछा ऐसे लगता है हमें बट इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ने तो स्पीसीज पढ़ने जाओ तो अकेले इंडिया में सात आठ हज़ार स्पीसीज मिल जाएगी फ्लोरा एंड फाउना के तो इसलिए प्लीज़ लास्ट तक सेशन में बने रहो तो आपको समझ में आएगा कि बुक के अलावा क्वेश्चन आते हैं एन्वायरमेंट के इट्स नॉट लाइक पॉलिटी हिस्ट्री या इकोनॉमिक जैसा नहीं कि बुक पढ़ ले और हो गया मेरा काम ठीक है यूपीएससी में एन्वायरमेंट के अलावा प्रिलिम निकलना लगभग ना के बराबर है क्योंकि पच्चीस छब्बीस क्वेश्चन एक प्रिलम्स में एक ही सब्जेक्ट से आते हैं वो है एन्वायरमेंट और तभी भी मेरिट एटी फाइव तो नाइन्टी के बीच में अभी क्यों दिख रहा है जबकि तो एन्वायरमेंट तो एकदम सिंपल और बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे बट एनवायरमेंट वैसा नहीं है आपका कितने भी सालों से आप यू करने दो बट एन्वायरमेंट के हमेशा क्वेश्चन अलग दिखेंगे आपको और वो कैसे तो यही यही समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर करो एंड तक बने रहो बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं और फिर एग्जिट भी कर रहे हैं प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस रिस्पेक्ट करो थोड़ा सा लेक्चर का एंड इवन ये पूरा लेक्चर देखो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि बायोडासिड रिलेटेड क्वेश्चन आ कैसे रहे आप लिटरली में बोलता हूँ बुक रख दोगे बुक कभी देखोगे नहीं इतना आपके मतलब इतना इनलाइटनमेंट होगा आपका गेटिंग माई पॉइंट चलो बताओ फिर इसका क्या आंसर होगा इंडियन एलिफेंट का लो वॉइस नाउ क्लियर अभी आ रहा है क्लियर ठीक एनवायरनमेंट एनवायरमेंट जोग्राफी के लिए एनवायरमेंट के लिए तो डेफिनेटली अपने देखो ठीक है बाकी मैं बताऊंगा आपको इसके इसके लेक्चर देखिए और एक ही देखो सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं बट कोशिश करो कि एक टीचर पकड़ो और उनको अच्छे से फॉलो करो जैसे आप एक बुक पढ़ते हो तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हो बराबर तो वैसे ही होता है टीचर का भी आप इक्खा कोई टीचर पकड़ो और उनको अच्छे से फॉलो करो चलो डन आंसर क्या होगा फिर यस व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस यस मैंने ये एलिफेंट रिजर्व ऑल एलिफेंट रिजर्व वाला एक लेक्चर दिया था आपका जिसमें ऑल थर्टी थ्री एलीफेंट रिजर्व हमने डिस्कस किए थे एंड द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल इज दैट करेक्ट यस बिल्कुल सही है ना बराबर है कि नहीं देन यस सेकेंड क्या मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी ट्वेंटी टू मंथ कैन भी दिया है एक्सट्रीम नहीं है स्टेटमेंट बिल्कुल तो सही हो सकता है कैन बी दिया है बराबर है मतलब प्लस एक दो महीना आगे पीछे चल सकता है पॉसिबल है और वैसे भी ओनली दिया होता ओके okay? और नॉट मोर देन ट्वेंटी टू ऐसा दिया होता तो शायद वो गलत होता चलो ठीक है सेकंड सही से है एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कॉल्विंग टिल द एज ऑफ फोर्टी इयर्स ओनली दिया है देखो यही आपका की पॉइंट है ठीक है भले आपको नहीं पता है तो भी आप आराम से इसको कट कर सकते हो ओनली दिया है एक दो महीने इधर उधर हो सकता है ना पॉइंट या एक दो साल इधर उधर हो सकता है तो फोर्टी ईयर्स मतलब फोर्टी ईयर्स तक ही होना चाहिए ऐसा थोड़ी ना है, है ना तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा तो तीसरा अगर आप कट कर दो तो दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं वन टू एंड टू फोर टू तो वैसे भी करेक्ट है बस अभी चेक करना है वन तो परफेक्टली करेक्ट है क्योंकि फीमेल ही लीड करती है बराबर है एंड फोर तो अपने आप फिर रॉन्ग हो जाता है अगर इफ़ यू आर श्योर अबाउट वन एंड टू अम द स्टेट इन इंडिया हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन इज इन बताओ कहाँ पे आता है कर्नाटका सेकेंड फिर कौन आएगा ये सेकेंड कौन है फिर कर्नाटक के बाद यस yes, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है ओके okay? कर्नाटका में नॉट केरला केरला इज रॉन्ग सेकेंड कौन आएगा सेकेंड yes, आसाम है ना कर्नाटक के बाद आसाम एंड देन फिर केरला आता है right? राइट एक बार फिर से चेक कर लेना आप ठीक है बट ठीक है ये चेक कर लेना बस एक बार ओके सेकंड केरला होगा शायद है ना और थर्ड आसाम या सेकंड आसाम या केरला है आप एक बार देख लेना बट आई एम आई एम श्योर कि कर्नाटक देन आसाम देन केरला होगा ओके okay, एनी उसको देख लो आई थिंक आई थिंक आई थिंक देखो सेकेंड हाँ देखो बराबर है आसाम है ये सही बताया मैंने कर्नाटक है देन आसाम देखो फर्स्ट कर्नाटक लगभग छः हज़ार के आसपास है कर्नाटक में सेकंड है आसाम एंड थर्ड है केरला केरला में तीन हज़ार के आसपास इट ये टाइगर देखोगे तो फिर यस एम पी फर्स्ट है सेकेंड कर्नाटक है है ना थर्ड आएगा उत्तराखंड एंड फोर्थ आएगा महाराष्ट्र अब टाइगर के नंबर भी अपडेट हो गए ना नए सेंसस के अकॉर्डिंगली पहले थे टू नाइन सिक्स सेवन अब कितने बढ़ गए दो हजार बाईस के अकॉर्डिंगली टाइगर टाइगर के नंबर कितने बढ़ गए अभी थ्री वन सिक्स सेवन थ्री वन सिक्स सेवन राइट तो बस देखो सिक्स सेवन सिक्स सेवन सही है बस यहाँ पे थ्री वन एंड पहला था टू नाइन सिक्स सेवन अब थ्री वन सिक्स सेवन एक्जैक्ट याद रहेगा मतलब अच्छे तो से याद रहेगा राइट तो चलो थ्री थाउजेंड प्लस एक है क्या यस हाँ ये सही तरीका है तो देखो टाइगर देखोगे तो एम में सबसे ज़्यादा है फिर कर्नाटक याद रखो इस बार बन सकता है चार साल बाद सेंसस हुआ है इसलिए बन सकता है क्वेश्चन टाइगर पे सबसे ज़्यादा आता है एम में बराबर है सेकेंड आएगा कर्नाटक तीसरा आएगा उत्तराखंड चौथा है महाराष्ट्र ओके okay. चलो रही बात एलिफेंट्स की कर्नाटक फर्स्ट सेकंड आसाम एंड थर्ड केरला तो चलो फिर क्या रहेगा आंसर देखो आंसर विल बी यस वन एंड टू इज करेक्ट ओनली था यहां पे ये कट कर दिया हमने और यहां पे कर्नाटक चाहिए था इसलिए ये भी कट हो ठीक है चलो ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आया कि नहीं मैसेर बताओ आया कि नहीं आया क्योंकि न्यूज में था इस बार 19 में अगर किसी ने अच्छा पीवाईक्यू पढ़ा होता

ट इज रियली चैलेंज बट चलो ऐसे क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा सकते हो एलिमिनेशन लगा सकते हो इसको एलिमिनेट करो देखो नेचुरली पूछा उन्होंने नेचुरली कहाँ पे मिलती है अधिक स्पीसीज इरावड्डी डॉल्फिन और चंबल रिवर में क्या डिफरेंस है बिल्कुल रहेगा ना इरावड्डी रिवर कहाँ पे आती है बताओ इट्स इन म्यांमार राइट अब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक आएगी ईस्ट कोस्ट तक आएगी राइट वेस्ट बंगाल आ सकती है उड़ीसा आ सकती है चिल्का तक आ सकती है आंध्र प्रदेश जाएगी या तमिलनाडु जाएगी एक्सेट एक्सेट बट वो बोल रहे कि वो चंबल में मतलब एम में नेचुरली मिल सकती है क्या उधर पीछे चली जाएगी क्या बस करके जाएगी क्या उड़ के जाएगी कैसे जाएगी भाई नेचुरली कैसे जाएगी मतलब आप ही बता दो जबकि ये इरावड्डी जो डॉल्फिन है मोस्टली रिवर या इस ब्या बंगाल तक ही मिलती है तो सीधा सीधा लॉजिक है यहाँ पे अंडरस्टूड तो इसलिए इरावडी डॉल्फिन नेचुरली तो नहीं मिल सकती है कट कर दोस्तों तो सेकंड इफ यू कट डाउन द ओनली ऑप्शन इज वन एंड थ्री ठीक है फिर देखो ऐसे क्वेश्चन में आप हिट कर सकते हो क्लियर है यहाँ तक सबको तो का ये भी न्यूज़ में था जब एक रस्टी स्पॉटेड कैट वगैरह की डेथ हो गई थी या फिर ये मैथ रिलेटेड प्रोग्राम रन कर रहा था महाराष्ट्र तो हो या कावेरी के रीजन में उसको तो बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे थे फिशिंग एक्टिविटी में इनलैंड फिशिंग में तभी आ रहा था न्यूज़ में तो चलो आंसर विल बी सी फॉर दिस वन एंड थ्री इज़ करेक्ट इस किसी का क्या क्वेश्चन है मेरा करंट अफेयर्स वन ईयर का करंट अफेयर्स एनवायरमेंट जोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो है वो आपको मिलेगा सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल बस इतना ही डाल दो सर्च बॉक्स पर टेलीग्राम पे सुमित सर नोट्स एंड आपको मेरा चैनल मिल जाएगा उसको फॉलो करो देन फाइल सेक्शन चेक करो आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे ओके वहाँ पे द हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है उसका कंपाइलेशन है ओके okay. मतलब मैं तो कहूँगा बुक से भी ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दो क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहा है ठीक है yes. चलो नेक्स्ट है। नाइनटीन का एक क्वेश्चन है देखो व्हाट विल बी द आंसर गुड शिवाजली इस बाकी स्टूडेंट आंसर फास्ट क्या ही है अरबी वोर वाहिवा परस वाइवा परस होगा या फिर क्या हो मतलब क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के आप ये करो मतलब नाइन डैश आंसर लिखो नाइन डैश मतलब ऐसे टेन डैश इलेवन डैश करके लिखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो होगा और देखो वो चैनल पे जितना होगा वो आप ठीक है यस बाद में आप क्वेश्चन पूछो अभी अभी आंसर करो ना यहाँ पे क्वेश्चन सामने चल रहा है उस पर ध्यान दो जो भी स्टूडेंट्स ऑर्डर मैसेज कर रहे प्लीज़ वो स्टॉप कर लो आप एंड में डाउट क्लियरिंग होगा तो तब पूछ लेना ठीक है चलो वेरी गुड तो नाइन का आंसर है डी ऑल ऑफ़ द अबाउट तो त... देखो ना सभी स्टेटमेंट में सम 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 दिया है नॉट एक्सट्रीम स्टेटमेंट पहली बात तो एक्सट्रीम नहीं है इसलिए तो आपका जो एक्स्ट्रा हम लगाते हैं एलिमिनेशन वाला मेथड वो नहीं लगानी है क्योंकि सम समस्पीसीज है तो हो सकते हैं हरबी वोर होते हैं कुछ कार्नी वोर होते हैं है ना या कुछ ओमनी वोर भी टाइप के टर्टल मिलेगी आपको कि जो ग्रास खाते हैं वो हरबी वोर है फिर वो जो बाकी इंसेक्ट्स वगैरह खाएंगे अंदर के है ना तो वो कार्नी वोर हो गए बेसिकली राइट तो ये सब चल सकता है और उसके बाद फिर मैमल्स वगैरह हो गए तो फिर है ना मतलब मैमल्स में भी हरबी वोर हो सकता है जैसे आप देख लो ना यहाँ पे सीम एमल ही मैं बताता हूँ कि सीकाओ हो गए या डुगोंग हो गए है ना तो वो हो सकते हैं अरबी वो ना तो ऐसा तो कोई लिमिटेशन नहीं है दोनों भी प्रकार के हो सकते हैं राइट एंड स्नैक वाइबा पोरस होते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं वो भी पॉसिबल आंसर विल बी सिंपली डी अब इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो क्या होगा इसका आंसर इसमें एक्सट्रीम वाला अब तीनों भी एक्सट्रीम है बट देखो नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम वाले गलत होते हैं बट वन पर्सन इज द पॉसिबिलिटी उसको भी पॉसिबिलिटी को भी चेक कर लो हमेशा रॉन्ग ही होगा ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कुछ ना कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं तो दोज एक्सेप्शंस आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन क्या होगा यस yes, बहुत लोगों ने अपूर्वा ए लिखा है आपने ओके okay. यस yes. सी लिखा है किसी ने एंड शिवांजलि बी लिखा है क्या होगा इसका आंसर डी लिखा है अभी किसी तो डी दे रहा है सभी सही है देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे सभी के आंसर्स में तो देखो देखोगाइज देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रॉन्ग पकड़ते हैं बट एशियाटिक लाइन सिर्फ इंडिया में गुजरात में मिलता है इज़ दैट करेक्ट मिलता है ना सिर्फ गुजरात में मिलता है ना गिर गिर नेशनल पार्क है ना गिर नेशनल पार्क या गिर सेंचुरी में हम देखते हैं एशियाटिक लाइन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अभी मतलब एशियाटिक की बात करो मैं एशियाटिक लाइन सिर्फ इंडिया में ही मिलता है और वो भी गुजरात में ही मिलता है मतलब हमारे यहाँ पे अभी वो एंडेमिक है तो फर्स्ट इज डेफिनेटली करेक्ट ओके देन डबल हम कैमल अब ये कहाँ पे मिलता है तो ये लद्दाख में मिलता है आप ये देखो तो ये लद्दाख में मिलता है और लद्दाख से भी आगे सेंट्रल मंगोलिया चाइना है ना इस रीजन्स के नदन उन आपके अपने ऊपर के भी रीजन्स में ये मिलते हैं नॉर्थ के ऊपर के आर्ट्स में तो इसलिए ये डबल हम कैमल लद्दाख में काफ़ी फेमस है टूरिज़म में और ये मैंने पढ़ाया भी यहाँ आपको इसी यू यूपी यु, से अनस्टॉपेबल के चैनल पर स्टेट वाइज नेशनल पार्क एक प्ले है उसमें लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया है हेमिस तो उसमें हेमिस में दो तीन इंपॉर्टेंट मैंने स्पीसीज बताए थे एक तो स्नो लेपर्ड जो कि इनका भी स्टेट एनिमल है ब्लैक नेक क्रेन जो कि इनका स्टेट बर्ड है ओके okay, और फिर डोमेस्टिक में मतलब तो काफ़ी टूरिज्म में भी फेमस दिखता है काफ़ी लोग इसके साथ फोटो वगैरह निकालते तो ये कैमल भी है यहाँ पर है ना कोल्ड डेजर्ट के रीजन में ऐसे कैमल मिलते मोस्टली और ये है यस yes. डबल हम कैमल तो ये लद्दाख में काफ़ी फेमस है बट ये बाकी रीजन में भी मिलता है इसलिए सेकंड गलत हुआ वन ऑन राइनो यस yes, भूतान में भी मिलेंगे ना क्योंकि चलो ठीक है आसाम में काफ़ी फेमस है रायनोज बट ये भूतान तक भी एक्सटेंडेड है मानस को ही देख लो मानस तो भूतान में भी एक्सटेंडेड है ना मानस नेशनल पार्क तो इसलिए ये भी कट हो गया तो यस इसलिए टू एंड थ्री रॉन्ग है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट एटिंग एवरी वन यहां तक इसी समझ में आए yes. देख लेना फिर कैमल जो है तो वो इधर और ऊपर की तरफ भी मिल जाएगी आपको राइट एग्जैक्टली एशियाटिक लाइन सिर्फ गिर में मिलेगी आपको राइट right? yes. चलेगा तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स मास एक्सटेंशन देखो अगेन क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा है ना बुकिश नॉलेज साइड में रख के है करंट अफेयर्स एंड दो में ये रिपोर्ट आए थे काफ़ी सारे और तब जब रिपोर्ट आ रहे थे मास एक्सटेंशन के बारे में आईपीसीसी वगैरह अपने रिपोर्ट्स में कई बार एनवायरमेंटल या बायसिडी डैमेज के रिलेटेड भी और भी मतलब ऐसे रिपोर्ट आते डिफरेंट तब चल रहा था सिक्स मास एक्सटेंशन अभी मतलब न्यूज़ में था देखो मैंशन इन द न्यूज़ अगेन सो एग्जैक्टली क्वेश्चन था क्या आंसर इसका डी वेरी गुड यस आंसर विल बी डी क्योंकि देखो अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं मैनकाइंड से ओवर एक्सप्लोटेशन मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम मतलब देखो मास एक्सटेंशन मतलब काफी ज्यादा लेवल पे जब स्पीसीज खत्म हो जाते हैं मतलब देखो सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट या मोर देन दैट तो साइंटिस्ट द नेक्स्ट फाइव सेंचुरीज अप्रोक्सीमेटली सैवंटी फाइव परसेंट ऑफ स्पीज इनहैबिटिंग मतलब हम देखते ना कि बहुत सारे स्पीज अभी एक्सटिट होते जा रहे हैं जैसे एक डोडो नाम से था वो एक्सटिंट होते हो गया था राइट देन आफ्टर दैट अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहे काफ़ी सारे स्पीसीज मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पच्चे पचास साठ नंबर है इवन आप जैसे एशियाटिक चा देख लो सिर्फ ईरान में बचे थोड़े ही नंबर से बट एक टाइम ऐसा बहुत ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है जो कि खत्म भी हो गए तो जब ऐसे स्पीसीज एंड होते जाते हैं मल्टीपल स्पीसीज तो उसको हम कहते हैं मास एक्सटेंशन होना है मतलब सेवेंटी परसेंट स्पीसीज लॉस हो गए सेवेंटी फाइव परसेंट लॉस हो गए उसको कहते हैं मास एक्सटेंशन तो अभी सिक्स मास एक्सटेंशन अंडर बे है बट ये हमारी वजह से दो ओनली मास एक्सटेंशन विच इज बिकॉज ऑफ एंड दिस इज द एंडस्थ वन ओके अब इसके पहले के कौन से आते हैं, फिर देख लो एक फिफ्थ हुआ था क्रेटेशस पीरियड में वन फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स आ है ना वन फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स आगे लगभग चौदह पंद्रह करोड़ साल पहले और तब 76 परसेंट ऑफ ऑल स्पीसीज इंक्लूडिंग नॉन एवियन वगैरह मतलब काफ़ी सारे 76 परसेंट तक एक्सटेंड हुए थे मतलब जुरासिक जब खत्म हुए थे ना वो वाला पीरियड हम बोल रहे हैं जब मेटोराइट वगैरह कोलैप्स हुए थे है ना वो था फिफ्थ मास एक्सटेंशन जुरासिक में टू मिलियन ईयर्स आए मतलब लगभग बीस करोड़ साल पहले फोर्थ मास एक्सटेंशन होता है जब एट्टी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड हो गए थे उसको कहते हैं फोर्थ वाला ठीक है और पीछे जाओ तो परमियन पीरियड 250 फिफ्टी मिलियन ईयर्स आए मतलब 25 करोड़ साल पहले थर्ड मास एक्सटेंशन हुआ था जो कि सबसे लार्जेस्ट था अभी तक का तो याद रखे अभी जो चल रहा है सिक्स उसका आधा कर लो थर्ड है ना तीसरा जो था वो अभी तक का सबसे बड़ा था मतलब जब नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ स्पीसीज पूरे एंड हो गए थे पूरे वर्ल्ड के क्योंकि तब तो हम नहीं थे इतने करोड़ों साल पहले परमियन पीरियड में बट जो भी जितने भी स्पीसीज थे फ्लोरा एंड फोन है उसके नाइन्टी फाइव परसेंट पूरे लॉस्ट हो गए थे उस दि मैच ओके तो इतना सारा ये एक्सटेंशन हुआ था इसके काजेज भी थोड़ा सा देख लेना हो सके तो सेकेंड मास एक्सटेंशन हुआ था लेट डेवनियन पीरियड में थ्री सेवेंटी फोर मिलियन ईयर एगो एंड लेट ऑर्डो इसी नाम से जो पीरियड आता है फोर फोर्टी मिलियन ईयर्स एगो तो तब हुआ था फर्स्ट मास एक्सटेंशन ओके तो ऐसे ये फर्स्ट सेकेंड वगैरह सभी आप देख लो तो लगभग सब में पाँच दस करोड़ पाँच दस करोड़ साल का गैप है और उसके बाद देखो ये फोर्टीन करोड़ के बाद कोई एक्सटेंशन हुआ नहीं है होगा तो फिर बोलेंगे कि ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है तो वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इट इज़ ड्यू टू मैन कैंड ओवर एक्सप्लोटेशन पानी खत्म होते जा रहा है हीट बढ़ते जा रही है क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, है ना एंड डिफॉरेस्टेशन uh, हम करते जा रहे हैं कितना ज्यादा एक्सपांशन होते जा रहा है सिटीज़ का अर्बन एरियाज का पोल्यूशन का और फिर इसी इसमें यस कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज नष्ट होते जा रहे तो साइंटिस्ट बोल रहे कि अभी वो ऑन गोइंग है ड्यू टू ह्यूम राइट सो दैट्स व आंसर विल बी डी क्लियर है यहाँ तक सबको ये इमिजिएटली तो नहीं होगा बट 200 300 400 सौ जितने भी सालों में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे करें, तो होगा अब सुधर जाए तो अच्छी बात है फिर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आपको घरियाल देखना है तो कहाँ पे दिखेंगे इसमें से अच्छी तरीके से मतलब बेस्ट प्लेस टू विजिट दो घरियाल घरियाल यस वेरी गुड सलोनी बहुत अच्छे इंस्टेंट आंसर जिसका आएगा तो देखते हैं किसका इंस्टेंट आंसर आता है वेरी गुड सलोनी का है आज पहला आंसर देखो देखते हैं कौन कौन फर्स्ट आंसर करता है हर क्वेश्चन में चलो वेरी गुड सलोनी गुड तो आंसर विल yes, भी यस भी nice. चंबल रिवर वेरी नाइस चंबल है ना सबको चंबल चंबल में तो घरियाल सेंचुरी भी है जो कि बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड एमपी के बॉर्डर पे भी फ्लो होती है ये चंबल रिवर पे आपको घरियाल्स मिलेंगे देखो ये घरियाल है डिफरेंट डिफरेंट क्रोकोडाइल की स्पीसीज आती उस है उसमें ये सबसे स्मॉल इसमें है है ना बाकी सॉल्ट टॉटर वगैरह बड़ी होती है ब्रॉड होती है और इसका देखो माउथ स्नाउट होता है ना घड़े जैसा होता है तो इसलिए इसको घड़ियाल कहा जाता है घड़ियाल है ना ऐसा इसका घड़ियाल का ये वर्जन है तो ये काफ़ी शाए होती है और रिवर में ही मिलते हैं याद रखे ये सी के पास नहीं मिलते ये रिवर के पास मिलते है रिवर एन रिवर एंड कैटेगरी में आता है यस तो और ये देखो हिस्टोरिकली जो मिलते थे वो काफ़ी रीजन में मिलते थे जिससे इवन पाकिस्तान तक घरियाल्स मिलते थे आप जानते हो कि इंडस तक सतलज तक मिल जाती थी मतलब सतलज ब्यास तक फिर यमुना वगैरह ये सब मिलते थे बट अभी यू नो दैट वही हम देख रहे हैं ना मास एक्सटेंशन में वही पढ़ रहे थे हम कि स्पीसीज अब कम होते जा रहे हैं तो अब जो दिखेगा तो वो बस चंबल आगरा है ना देन इवन केन बेटवा में भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं और फिर ये महानदी के थोड़े बहुत पार्ट्स में हैं उस सिंपली पाल तक हल्के हल्के मिल जाएगी बट ज़्यादा नहीं जो मेन है तो वो अभी बचे हैं बस चंबल में चंबल इज़ द टेबिटरी ऑफ यमुना बराबर है ना यस yes, यमुना की टिबिटरी ना चंबल और चंबल देखो सबसे बड़ी टेबिटरी यमुना की और वो इटवा के आसपास यूपी में इटवा के आसपास जाके मिलती है राइट वहाँ पे बट उसके पहले देखो ये राजस्थान एंड एमपी के बॉर्डर पे फ्लो होती है सवाई माधोपुर वगैरह वो जो रीजन है वहाँ पे उसको बनास के मिलती है तो ये रीजन में यस यही इसी रीजन में वो चंबल की सेंचुरी है घरियाल सेंचुरी तो यहाँ पे मैंने फिर केन में भी अच्छे खासे मिलते हैं और बाकी ये घाघरा वगैरह में भी मिल जाता है अभी के लिए बस इतना ही हैबिटेट बचा है इतना याद रखो किसके लिए घरियाल के लिए ठीक है मतलब अगर मैं कल बोल दूँ सुंदरबन में वगैरह मिल जाता है तो सही है क्या वो नहीं भीतर कनिका में मिलते क्या नहीं भीतर कनिका वगैरह में जाओगे तो दैट इज़ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हाँ दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इटिंग मे पॉइंट दैट इज़ सॉल्ट वाटर क्रोकोड चलो यहाँ तक क्लियर है सबको फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है दिस सॉरी ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देखो ज़्यादातर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलता है देखो अगेन स्पीसीज पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्पीसीज न्यूज़ में है या जिसको थ्रेट हुआ है? है ना जिसको थ्रेट हुआ है जो न्यूज़ में है या जिसके रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है या कंजर्वेशन हो रहा है किसी का या किसी का रिसेंटली सेंसस हुआ है तो तभी है इसलिए बुक पे टेंशन नहीं लेना है ना करंट के थ्रू स्पीसिस पढ़ना है कभी भी याद रखो तो ले लिया बुक और सौ स्पीसीस सर एक जगह पर मिल गए मैं अब आज मज़े करूँगा कुल सौ एक ही जगह पर मिल गए मैं पढ़ लूँगा ऐसा मत करो ठीक है करंट अफेयर्स में जो दिखेंगे वही पढ़ना है ये तो बर्ड के कितने सारे स्पीसीज है हॉर्नबिल जैसे तो कितने सारे मिल जाएंगे आपको बट हॉर्नबिल है ना हॉर्नबिल होगा या फिर जैसे डिफरेंट मकाऊ होते हैं है ना ये अलग स्पीसीज है तो उनको फिर देखना चाहिए और करेंट में भी हो गया तो चलो इसका कहाँ मिलेगा हैबिटेट आपको यस वेस्टर्न घाट देखो हॉर्नबिल ऐसे कुछ दिखता है और इनको भी थ्रेट हुआ था काफ़ी ज़्यादा इंडिया में और इंडिया में जो नौ प्रकार के हॉर्नबिल मिलते हैं चार प्लस चार प्लस एक याद रखो फोर पर फ्लोर फोर फोर वन याद रखो फोर मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल का काफ़ी फेमस है या फिर आसम में नॉर्थ ईस्ट नागालैंड वगैरह में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे चार प्रकार के कुछ हॉनबिल है अब वो चार प्रकार कौन से वो इतना भी टेंशन मत जितना मैंने बताया वो काफ़ी है फिर वेस्टर्न घाट में कुछ चार प्रकार के मिलते हैं ओके हॉनबिल्स एंड आफ्टर दैट एक आता है अंदमान निकोबार में नारकोंडम नाम से एक आइलैंड है अंदमान निकोबार में तो उसी के नाम से नारकोंडम हॉर्नबिल नाम से जाना जाता है तो ये आता है अंदमान निकोबार में तो ऐसे इंडिया में टोटल नाइन हॉर्नबिल के स्पीसीज़ हैं ओके अब क्या हुआ था तब तब की बात है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए पूछा होगा क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व में भी उस साल क्वेश्चन आया था और पक्के में क्या हुआ था इनके नंबर काफ़ी अच्छे ही है पक्के टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट एरिया कम हो गया था ओके okay, तो इसी के कंसर्न में पूछा होगा कि ये ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं क्योंकि उनको फॉरेस्ट इंजीनियर भी कहा जाता है और वो वुड के अंदर डिग करके अपना घर बना लेते है राइट तो दैट्स वायदे क्वेश्चन रहेगा देखो कहीं ना कहीं करंट से कनेक्शन था इसका डेफिनेटली था ओके okay. काफ़ी इनका पोचिंग हंटिंग किया जाता है पकड़ा जाता है इनको और बेचा भी जाता है एग्जैक्ट exactly. ठीक <laughs> है तो कहाँ रहेगा फिर बताओ इसमें से यस वॉट विल बी द आंसर डी द आंसर वेस्टर्न घाट दिख रहा है ना आपने तीन सेक्शन मैंने बताया सैंड डेजर्ट की तरफ मिलेगा क्या नहीं वहाँ पे कौन से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है नॉट हॉर्नबिल यहाँ से पढ़ लो वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो वाला हिमालय के हायर पार्ट जम्मू कश्मीर में चलो वहाँ पे तो नहीं आएंगे माइग्रेटरी स्पीसीज होगी छोटे मोटे सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात वगैरह वे वहाँ पे भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएंगे नॉट हॉर्नबिल हॉर्नबिल पूछ रहे आपको वो फॉरेस्ट चाहिए डेजर्ट कहाँ जा रहे हो ठीक है वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट है बिल्कुल है अच्छा फॉरेस्ट है वहाँ तो पे मिल जाएगा ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्राई कैमल देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन क्राई कैमल डबल एम कैमल है ना अब आगे तो और दिखेंगे सभी वही है कि जो न्यूज़ में कुछ ना कुछ थे या जिसमें यूनिकनेस है वो रीजन को लिखे तो वो दिख रहा है हमें क्वेश्चन वेरी गुड हेमा ने आंसर दिया है फर्स्ट देन विश्वा पूजा वेरी गुड सलोनी बाकी स्टूडेंट आप भी सोचो देखो किसी ने लिखा है आंसर तो अपना आपका सोचना बंद मत करो है हाँ, ना सोचो कि यार खराई कैमल है इसमें मैं क्या स्टेटमेंट ले सकता हूँ यार देखो मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट ऐसा कोई कैमल है नहीं कि जिसको कैनॉट डोमेस्टिकेटेड मतलब हम इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते ये तो लॉजिक तो भगवान ने हमें दिमाग दिया है लगाना पड़ेगा कि कैमल यूजुअली ह्यूमंस के साथ दिखता है बराबर है कि नहीं इज दैट करेक्ट और नॉट मतलब एक इखा था कोई तो भी पूरी दुनिया में मिलेगा कि चाहे उसको डोमेस्टिकेट नहीं करते हो बट यूजुअली ऐसा तो होता नहीं है हम डोमेस्टिकेटेड है मतलब हम उसको पालते हैं बिल्कुल पालते है कैमल्स को क्योंकि वो व्हीकल जैसा हमारे लिए काम करता है ड्रीम अपॉइंट और आजकल कैमल का दूध भी पिया जाता है हेल्दी माना जाता है न्यूट्रिशस माना जाता है और कुछ इंडिया नहीं बट बाकी अरेबियन कंट्रीज में तो कैमल का मीट भी खाता है तो इसलिए ये हमारे साथ तो डोमेस्टिकेटेड मिलेंगे आपको तो ये गलत स्टेटमेंट है इन कैन कैनॉट दिया उन्होंने तो वो कट कर दो तीसरा कट कर दो तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन मेथड ठीक है दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन मेथड बस एक एक तोड़ने की कोशिश करो कभी भी यूपीएससी में एक स्टेटमेंट होता है वो टूट सकता है ठीक है और देखो थर्ड टूट गया तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर अभी टेंशन है ही नहीं कि वो ग्रेजिंग ऑन मैंग्रो और तीन किलोमीटर हो गए या चार किलोमीटर स्विम करेंगे वो पता नहीं हमें है ना अप टू दिया है ओनली दिया है क्या नहीं अप तो टू थ्री किलोमीटर या मतलब मोर और लेस हो सकता है इसका मीनिंग मोर और लेस होता है यस देखो तो ये बोल रहा है ना मैं डोमेस्टिकेट कर रहा हूँ भाई देख लो है ना जिनको लग रहा है नहीं होता है देखो ये बोल रहा है हम कर रहे हैं भाई इसको डोमेस्टिकेट देखो ये मैंग्रो खा रहा है है ना मैंग्रूव मतलब क्या होता है सी या शोर के पास हम देखते हैं ना मैंग्रूव के जो ट्रीज होता है तो उनको ये कंज्यूम करते हो ये मिलते कहाँ पे कोई बता सकता है मिलते कहाँ पे ये ना नहीं, नहीं, राजस्थान मत जाओ ये कहाँ पे मिलते हैं गल्फ़ ऑफ खम्बात की तरफ है ना ये कहाँ पे मिलते हैं देखो गल्फ़ ऑफ खम्बात पता है ना गल्फ़ ऑफ खम्बात तो वहाँ पे जो हाई टाइड लो टाइड आते हैं उस रीजन में गल्फ़ ऑफ खम्बात के रीजन में मिलते हैं मलबारी मलधारी नाम से कुछ टाइप्स हैं वो उसको मोस्टली डोमेस्टिकेट करते हैं तो इस इस गल्फ ऑफ खम्बात के रीजन की तरफ वहाँ तक ये मतलब हाईटेट जब आते हैं तो लगभग ये तीन तीन किलोमीटर तक देखो ऐसे स्विम करके जाते हैं तो तीन दो तीन दो तीन, तीन किलोमीटर ऐसे मतलब दूर तक ये काफ़ी मतलब स्विमिंग अच्छे कर सकते हैं ठीक है दिख रहा है ये कैमल्स सबको दिख रहा है गुड एग्जैक्टली ठीक है तो समझ में आ सबको दिस कैमल अंडरस्टूड एवरी वन तो ये कहाँ मिलते हैं फिर ये ये है खराई कैमल नाम में कि देखो खराई है खराई मतलब खारे पानी में मिलते होंगे तो अब याद रहेगा आपको खारे पानी वाले मतलब मैंग्रूव वाले है ना गल्फ ऑफ खम्बात गुजरात में गुजरात में इट चलो ग्रेट नेक्स्ट है अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया बट आना चाहिए है ना कभी कभी हम एक्सपर्ट बन जाते हैं बट बच्चे बनना भूल जाते हैं सर भूल गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है ठीक <coughs> है मतलब अच्छे हार्ड क्वेश्चन सही कर लेते हो बट छोटे छोटे क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं सिंपल मोस्ट सिंपल थिंग यस दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो गैंजेटिक डॉल्फिन है राइट तो ये है देखो गैंजेटिक डॉल्फिन और ब्लाइंड डॉल्फिन भी इसको कहा जाता है और ये पूरे गंगा के रीजन में मिलते हैं राइट और इवन गंगा के बाद ये पद्मा जमुना एंड ब्रह्मपुत्रा तक आसाम तक मिलेगी आपको दिब्रूसाइआ तक यहाँ पर दिब्रूसाइआ नेशनल पार्क है वहाँ तक मिलेगी राइट फ्रॉम गंगा से लेके गैनजेटिक डॉल्फिन राइट तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई डॉल्फिन होगी रिवर एंड डॉल्फिन तो दैट इज़ दिस गैनजेटिक डॉल्फिन सेकेंड नंबर पर आती है इंडस वाली डॉल्फिन जिसका नाम है भूलान है ना इंडस में जो डॉल्फिन मिलती है उसको भुलान कहते हैं यहां पे जो हमारी ये गंगा डॉल्फिन जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है उसको क्या कहते हैं सुशु सुशु या सुशुक भी कहते हैं right? exactly. तो दोनों फर्क क्या दोनों में फर्क है और नंबर में ज्यादा कौन से फिर गंगा वाली डॉल्फिन राइट right? तो गंगा में नंबर ज्यादा है डॉल्फिन टाइप में देखें ठीक है तो ब्रह्मपुत्र में मिलती है एक गैजेटिक डॉल्फिन यस बिल्कुल मिलती है आसाम तक मिलती है यस yes. बट ये सी में नहीं जाएगी है ना क्योंकि ये रिवर एंड डॉल्फिन है इट डू नॉट बिलोंग टू ब्यार बंगाल एंड इरावट डी एक्सेट्रा है ना यहाँ पे नहीं मिलेगी बस इधर ही मिलेगी ठीक है क्लियर है और ये कब डिक्लेयर हुआ था कुछ दो हजार सात आठ की बात है जब हमने नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी क्रिएट किया था अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स जब हमने ये अथॉरिटी बनाई थी नेशनल गंगा रीवर बेसन अथॉरिटी तभी हमने इसको डिक्लेयर किया था अराउंड टू थाउजेंड की कुछ बात है ठीक है दो हज़ार की बात तो या शायद हाँ एक दो साल इधर उधर द ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ कब किया गया था और वो इंपॉर्टेंट है ना जब ऑथॉरिटी क्रिएट की थी नेशनल गंगा रवीर बेसन ऑथॉरिटी अंडर दिस एक्ट तब ये हमने डिक्लेयर किया था चलो नेक्स्ट मतलब ऐसे नहीं कि बहुत पुराना है क्या नहीं रिसेंटली हुआ है मतलब दस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डुगोंग डुगोंग के बारे में क्या करेक्ट है वेरी okay. गुड बहुत अच्छा फटाफट आंसर करो सी वेरी नाइस तो सीधा लॉजिक यहाँ पे लगेगा एलिमिनेशन मेथड लगेगी क्या यहाँ पे बिल्कुल लगेगी एंटायर कोस्ट अरे ये क्या कोई फीस थोड़ी है कि एंटायर कोस्ट पे मिलेगी भाई ये थोड़ा फीसटोन एनिमल है बड़ा एनिमल है ये क्या सभी कोस्ट पे मिलेगा क्या नो no. तो डुगाग जो होता है सी काउ जिनको कहा जाता है ग्रास खाता है थोड़े सील जैसे अपियर करते हैं थोड़े थोड़े है ना तो ये जो डुगोंग है वो सी मैमल है मैमल कैटेगरी में आता है और ये पूरे कोस्ट पे मिलना ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ तक मिल सकते थोड़ा वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी अंदमान निकोबार लक्षद्वीप तक मिलेगी बट इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया इज रॉन्ग डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि ये कोई छोटी मोटी फिश नहीं है राइट right? तो सेकेंड अगर एलिमिनेट कर लो दो ऑप्शन कट जाते हैं बचते हैं दो तीन तो ऐसे भी करेक्ट है तो देखने की जरूरत है नहीं शेड्यूल वन है या टू है वो देखना ज़रूरी नहीं है बट हाँ एस एस पीसीज को हमेशा शेड्यूल वन ही मिलता है ठीक है तो बट एनी हाउ थ्री देखो देखो ही मत वन करेक्ट है क्या हर भी वो है क्या बिल्कुल है इनको सी काउ कहते हैं और काऊ क्या खाता है ग्रास खाता है हरबी वो है ना काउ ठीक है तो सी काउ कहते हैं ना इनको हम मतलब सी की ग्रास खाने का काम करते हैं गेटिंग मा पॉइंट तो आंसर पहला सही रहेगा मतलब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही रहेगा बिल्कुल आंसर विल बी सी फॉर तो वन एंड थ्री इज करेक्ट ठीक है एंटायर कोस्ट है क्या नो डुगोंग देखो कहाँ कहाँ मिलते हैं सिर्फ इंडिया में मिलते हैं क्या डुगोंग नो no. डेफिनेटली नॉट देखो डुगोंग काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं सोमालिया है ना या अफ्रीका अभी मैपिंग सेशन लिया था मैंने अफ्रीका का तो कौन सी कंट्रीज लगती है इंडियन ओशन से अफ्रीका की बताओ क्या सीक्वेंस बताया था मैंने एस एस और के टी एम है ना ऐसे याद रखो सोमालिया केनिया मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका है ना तो इन कंट्रीज में इवन मादागास्कर में भी थोड़ा सेशल्स में फिर ये लक्षद्वीप मालदीव फिर यहाँ पे जो तो इसका पार्ट है इंडोनेशिया होगा है ना अंदमान निकोबार यहाँ तक मिलता है और देखो इंडिया के एंटायर कोस्ट नहीं है गल्फ ऑफ मन्नार पाल्क बे तक यहाँ पे मिलेंगे और इधर इधर ऊपर नहीं जाता है इधर नहीं मिल रहे देखो ओडिशा वगैरह में है ना और वेस्ट में काफ़ी अच्छे से दिख रहा है और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कश्तक भी है बस इसको भी हाईलाइट कर लो थोड़ा सा गल्फ ऑफ कश्तक ऑल्सो फोक कच्छ और गल्फ ऑफ अरब इसलिए फिर एंटायर गलत हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन रोज क्लास आईपीएस सलोनी जी रोज क्लास यूट्यूब पे नहीं होती है बट अपने यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है वीडियोस वो वो देख लो सेकंड अपने स्पेशल क्लास में होता है देखो यू अन अकेडमी पे आप पे जाके इस मेरा नाम वहाँ पे सर्च बॉक्स में डाल देना आप और आपको क्लासेस मिल जाएगी पूरा आगे का शेड्यूल क्लासेस मिल जाएंगे आपका राइट वो फॉलो करो बस चलो बाकी स्टूडेंट आंसर फास्ट दिस क्वेश्चन नीम ट्री यस प्लस पे भी मिलेगा ना प्लस पे अभी हमारा वर्ल्ड मैपिंग का एक क्लास चल रहा है और एनसीआरटी जोग्राफी बैच चल रही है राइट नेक्स्ट मंथ इंग्लिश में फिजिकल जोग्राफी चल रहा है जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है एक तारीख से फर्स्ट मे से अपना फिजिकल ज्योग्राफी बैच स्टार्ट okay. हो रहा है ओके इसके आंसर होगा चलो बताओ फर्स्ट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ़ द वो करर है ना नीम ऑयल कैन बी यूज फॉर अ पेस्टिसाइड हो सकता है ना क्योंकि पेस्टिसाइड एज यूज़ किया जाता है नीम सीड्स आर यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ बायफिल्स यस किया जाता है हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स uh, में भी यूज़ किया जाता है और नीम ऑयल मतलब एक अच्छा हम पेस्टिसाइड बोल के उसको देखते हैं और इवन बहुत सारे हम uh, जो फूड ग्रेन वगैरह रखते तो उसको भी नीम से कवर करते उससे कीड़ ना लग जाए ना मतलब uh, ख़राब ना हो जाए इसलिए ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी जगह पे नीम की यूज है इवन अब तो नीम कोटेड यूरिया भी आने लगा है पता है ना आपको नीम कोटेड यूरिया तो जिससे क्या होगा यूरिया का रिलीज स्लो डाउन हो जाता है और जिससे क्या होगा जितना वो स्लो डाउन होगा उतना हम यूरिया कम देने की जरूरत पड़ सकती है समझ में आ रहा है तो ये अभी न्यूज़ में चल रहा है नीम कोटेड यूरिया ये अच्छे से देख लो तो जिससे स्लो होने से फिर क्या होगा हम यूरिया कम यूज़ करेंगे तो उतना यूट्रिफिकेशन कम होगा या वाटर का पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा और वैसे भी हम फर्टिलाइजर के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है वो इम्पोर्ट भी कम होने के चांसेस है तो ये बेनिफिट है नीम के मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ठीक है और ये धूप में भी देखो हरा रहता है तो छाव भी देने का काम कर रहा है राइट ये भी ये भी इम्पोर्टेंट है चलो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गंगा रिवर डॉल्फिन यस देसी मेडिसिन यस एग्जैक्टली राकेश देसी मेडिसिन बिल्कुल सही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा रिवर डॉल्फिन देख लो चलो फास्ट मतलब गंगा रिवर डॉल्फिन को अगर गंगा में आप इमेजिन करो कि अगर डैम एंड बराज बन जाते तो उनको डिस्टर्ब तो होगा डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है या हैबिटेट को लॉस होता है ना मतलब उनका जो अधिवास है वो अफेक्ट हो सकता है बिल्कुल सही है बराबर है सेकेंड क्या इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल यार ये थोड़ा अलग मैनिपुलेटिव नहीं लग रहा है आपको कि क्रोकोडाइल बढ़ गए ऐसे नहीं कि बहुत बढ़ गया ऐसा नहीं है इंक्रीज हो गया मतलब थोड़े बहुत इंक्रीज़ हुआ है ड्रास्टिकली तो बोला नहीं है तो मतलब क्रोकोडाइल बढ़ते और क्रोकोडाइल भी इतना अंदर की तरफ तो होती नहीं गंगा बहुत बढ़िया है ना समझ लो गंगा रिवर डॉल्फिन का एरिया मतलब गंगा का रिवर जस्ट एरिया समझ लो है ना अंदर तो होती नहीं ज़्यादा कोस्ट पे होती है मतलब क्रोकोडाइल बढ़ने से डॉल्फिन कम होगी क्या बिल्कुल नहीं ऐसा तो कोई हैम्पर नहीं होगा इसलिए सेकेंड एलिमिनेट कर लो तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका आ जाता है और वो क्या रहेगा समझ में आया सबको एग्जैक्टली एलिमिनेशन है ना <laughs> जबरदस्ती एग्जैक्टली तो exactly. जबरदस्ती मतलब क्रोकोडाइल बढ़ गए तो मतलब यूपीएससी करता है ऐसे हरकतें बहुत बार होती है कि आपको बस ढूंढना होता है कि हाँ ये बना लिया देखो मेरे को बना चुके ये वो स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया कि आपको समझ गया कि हाँ ये बनाने की कोशिश हो रही है तो यस वो एलिमिनेट कर दो तो काम बन जाएगा वन तो, सही है थ्री सही है देखो गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली हाँ ये हो सकता है एंड फोर क्या है सिंथेटिक फर्टिलाइजर है भाई ऑब्बियस ही बात है फर्टिलाइजर वाला पानी आपको पिलाऊ तो चलेगा क्या नहीं बिल्कुल तो नहीं चलेगा तो वो तो एनिमल ही बेचारे वो तो और सेंसिटिव होते हैं हम तो भी मेडिसिन खा लेंगे कुछ तो भी बट उनके लिए तो कुछ नहीं वो तो सेंसिटिव रहते ना तो उनको तो अफेक्ट होगा ही बिल्कुल होगा तो वन थ्री फोर इज द डेफिनेटली करेक्ट बट इट नहीं अभी नहीं करता यूपीएस से ऐसा अब ये बाईस के क्वेश्चन भी हमने देखे ना दो तीन वहाँ तो पे भी लॉजिक लग सकता है देखो दो चार क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको एनवायरनमेंट में कि जो बस आप थोड़ा सा ढूंढ लो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्राई करो इसको और अब भी मैंने बताया था ये डिस्कशन में था देखो अभी न्यूज़ में देखा ना हमने ये इस लद्दाख ने स्टेट बर्ड उनका डिक्लेयर किया ब्लैक नेक चलो पूरा आंसर बताओ इसका क्या होगा नहीं नहीं वायरल होने दो राकेश बट सबको नहीं जमता है वो बहुत कम लोगों को जमता है बराबर कि नहीं।, नहीं आता आता बिल्कुल आता है, होता है। देखेंगे ना इस बार एग्जाम दूर नहीं है वो पांच क्वेश्चन तो मिनिमम मैं लेके आऊँगा आपके लिए चलो एनी चलो बढ़ो आगे देखो बताओ क्या है ब्लैक नेक रेन पेंटेड स्टॉक कॉमन मायना तो इसमें क्या दिया उन्होंने कि कैटल के अलोंग साइड मिलेंगे है ना मतलब इस प्रकार से देखो ऐसे मिलने चाहिए बराबर है क्या कि कैटल के ऊपर जो उनके ऊपर जो कीड़े होते हैं डिफरेंट है, है ना ब्लड सर्कल्स वगैरह होता है तो उनको खाने का काम यह कॉमन मायना करती है है ना इसका भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ नाम दिया जाता है कोकिल भी बोलते हैं इसको कोकिला भी बोलते हैं राइट तो हाँ तो ये वाले जो होता है तो वो देखो कि वो कीड़े खाने का काम करें मतलब ये बेसिकली इसके अलॉन्ग साइड आपको मिलेगे क्या? मिलेंगे क्या कैटल्स वगैरह के अलॉन्ग साइड बिल्कुल मिलेंगे बट ये जो बाकी दिख रहे हैं आपको तो ऐसे कभी दिखे क्या आपको इतना बड़ा सहन करेंगे क्या ये कोई बाकी एनिमल देखो कोई ऐसा बड़ा बर्ड आ गया और तो डर जाएगा ना वो तो ये तो पिक तो भाग जाएंगे उससे देख के है ना तो ये बड़े बड़े ऐसे बर्ड्स हैं है ना अगर ये चोच मारेगा तो कितना लगेगा वो तो उसको तो ये बेसिकली ये क्या है वेटलैंड में मिलता है ना तो ये नहीं खाता है बिल्कुल नहीं खाते है. ये वेटलैंड में ये वेटलैंड में मिलता है और ये फिश खाते हैं या फिर एलगे वगैरह जो है वो खाता है पेंटे स्टॉक होगा साइबेरियन क्रीन्स हो गया है ना या पिंक पिंक कलर के जो होते हैं ना साइबेरियन क्रेन्स वगैरह है ना तो वो होता है तो ये आपको फिश या फिर एलगे खाते हुए दिख सकते हैं ये वाले स्पेसिस वेटलैंड में मिलते ही ये सब लेक के पास मिलता है ठीक है तो इसलिए फिर ये दोनों कट कर दो एक ही ऑप्शन बचता है कॉमन माइना ऑप्शन सेकेंड ओन एग्जैक्टली इंजरी हो जाएगा ना उसको हाँ म्यूचुअलिज्म अरे ये म्यूचुअलिज्म नहीं होगा ना फिर इसको लग जाएगा है ना छोटे तो पट चल सकते हैं हाँ चलो ठीक है ये म्यूचुअलिज्म दिखेगा आपको बिल्कुल तो दिखेगा चलो सही है क्लियर है सबको समझ में आया तो ऐसे देखते चलो कि कौन से और स्पीसीज होते हैं क्या होता है ओके okay? <laughs> चलो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडेंजर्ड कौन से अभी आजकल ये क्वेश्चन थोड़े कम हो चुके हैं अब तेरह से पहले दिखते थे इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंग आजकल नहीं आते बट ठीक है हल्का हल्का नॉलेज रखो थोड़ा सा यस yes, क्या क्वेश्चन है सर इज द ऑफ कम्यूसलिज्म म्यूचुअलिज्म रहेगा ये या कम्युनसेलिज्म yeah, भी ले सकते हो मोस्टली कम्युनसेलिज्म या तो चलेगा क्योंकि कम्यूनसेलिज्म ही बेटर ऑप्शन रहेगा यस विशु अंडरस्टूड कम्यम क्योंकि कम्यूनसेलिज्म क्यों क्योंकि एक तो न्यूट्रल है ना पिग होगा या कैटल होगी वो न्यूट्रल है और उसका बेनिफिट हो रहा है माइना का सो दैट इज कमसैलिज्म चलो इसका आंसर क्या है फिर घरियार लेदर बैकटर्कल एंड स्वैम डियर अब ये 2013 का क्वेश्चन है आज की केस में देखोगे तो लगभग इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो आ, समझ में आ रहा है तो यहाँ पे स्वैम डियर वगैरह वो तब के अकॉर्डिंग देखोगे तो तीनों भी एंडेंजर्ड थे है ना तो तीनों भी एंडेंजर्ड है तो अभी बस अपडेटेड वगैरह चेक कर लो यस yes. एग्जैक्टली exactly, अभी चेंज होगा बट तब के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सी आंसर था राइट ये लेदर बैग टर्टल काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको अंदमान एंड निकोबार में अंदमान निकोबार में और ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक अंदमान निकोबार की निकोबार ग्रेट निकोबार के आसपास बन रहा है तो उससे थ्रेड बोला जा रहा है इन टर्टल्स को वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल है ये मतलब वर्ल्ड में सबसे एक तो टर्टल छोटे होते हैं और ये आपको कितना बड़ा दिख रहा है देखो यूजली टॉर्ट बड़े होते हैं या टर्टल बड़े होते हैं टर्टल और टॉटाइज में फ़र्क क्या है मेन डिफरेंस क्या है कि टर्टल अपना ज़्यादा टाइम पानी में स्पेंड करते हैं सी के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर रिवर के अंदर एंड टॉर्टोइज जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम इधर लैंड पे ये होते हैं और नहीं नहीं यूजुअली टोटोज बड़े होते हैं टॉटाइज यूजुअली लार्ज होते हैं एंड टर्टल छोटे होते हैं जैसे अभी आपने ये देखा होगा उड़ीसा कोस्ट पर आते हैं ना वो क्या नाम है उनका ऑलिव रिडले टर्टल वो देखो कितने छोटे छोटे होते हैं एग्जैक्टली राइट Yes. तो इसलिए देखो कि ये जो टॉटोय दिख रही है मतलब ये लेदर बैक सॉरी टर्टल दिख रही है तो ये यूजुअली मतलब छोटे होते हैं बट ये अभी हमें क्या दिख रहा है यस राइट चलो ठीक है तो ये एक्सेप्शनल में ये सबसे लार्जेस्ट टर्टल की स्पीसीज में आता है लेदर बैक टर्टल याद रखिए बाकी ये स्वैम डियर है और बाकी फिर ये क्या नाम है उसका घरियाल घरियाल तो हमने देखा है अब घरियाल का चेंज हो चुका है यस क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं हैली अब 2013 की बात है तभी एंडेंजर्ड थे बट अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली कौन से मिलते इसमें से इंडिया में नेचुरली हाँ जब भी हमने देखा था ना व जैसा एग्जाम्पल देखा था वैसे नेचुरली मतलब इंडिया में नेचुरली कोई इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए नेचुरली इंडिया में मिलते थे होगा ए डी डी ऐसे बहुत सारे आंसर मिक्स आ रहे हैं देखो पिग्मी हॉक तो मिलना चाहिए क्योंकि आसाम में काफी फेमस है और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है एकदम सबसे पिक की सबसे स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ है ना वाइल्ड पिक्स की तो ये आसा में मिलते है आगे हम फोटो देखेंगे भी मिलते हैं और स्टार तो मतलब तो तो नंबर में काफी अच्छे और इनका पोचिंग हंटिंग भी होता है राइट बट स्पाइडर मंकी ये सेंट्रल अफ्रीका से सॉरी सेंट्रल अमेरिका से आता है या साउथ अमेरिका में मिलती है यह स्पाइडर मंकी ठीक है तो ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता नेचुरली तो ये है स्पाइडर मंकी दिख रहा है तो इसलिए वो हटा दो ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और ये इंडिया में वाइडली स्प्रेडेड है यस yes, क्या नाम था इसका मॉनिटर लिजार्ट ओके इसको भी इसका मीट भी बहुत जगह पे खाया जाता है बट बत, मतलब इलीगली ये होता है तो इसलिए ये का, काफी बार ये भी न्यूज में होता है ना तो देखना ये मॉनिटर लिजार्ट है और ये पिगमी हॉक के भी नंबर काफी डिक्रीज हुए थे राइट तो ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है पिगमी हॉक अंडरस्टूड तो ये इंडिया में नेचुरल मिलता है बिल्कुल मिलता है अब रही बात और कौन है स्टार्ट आर्डर्स तो मोस्ट कॉमन है आट आट वो तो वो मिली जाता है तो तीन रहेगा यहां पे पहले तीन सही है लास्ट इज नॉट करेक्ट स्पाइडर मंकी जो देखोगे साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका में मिलते इट यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ठीक है क्लियर है मैं चिता अगर बोल दू तो यस yes, चिता अगर फोर चिता है तो आंसर डी रहेगा क्या चलेगा स्पाइडर मंकी के अलावा अगर मैं फोर डालता हूँ चीता तो सही रहेगा क्या क्या करें सर बड़ी दुविधा आ गई चीता तो लेके आ गए फुल सेलिब्रेशन के साथ उनोपालपुर में एमपी में बराबर है क्या रिख हो फिर नहीं वो गिबन भी नेचुरली मिलता है ये समय है गिबन तो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं नेचुरली मिलते हैं इट नॉट इंट्रोड्यूस्ड तो अभी जो हम चीता लेके कर आए हैं वो है अफ्रीकन नामी अफ्रीकन चीता है ना नामीबिया ऐसे जो लेके आए थे और वो इंट्रोड्यूस किया है नॉट नेचुर तो अगर यहाँ पे चीता दिखे तो इमोशनल मत होना गलत कर दो वो भी गलत ही रहेगा अंडरस्टूड वो भी गलत रहेगा गेटिंग माई पॉइंट एवरी और एशियाटिक बोल दे तो वैसे भी एशियाटिक कहाँ है हमारे पास मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है ना तो वो भी गलत ही रहेगा फिर तो, तो चीता कोई भी रहने दो यहाँ पे नेचुरली ऐसे आता है तो वो गलत होगा हाँ इंट्रोडक्शन बोलते तो देन इट इज करेक्ट इट इज करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट इसमें से मैमल कौन से कौन से सी मैमल या इन अब ये तो हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं सी का वो तो अभी पढ़ा है मैंने आपको सी हॉर्स भी मैंने पढ़ाया था कि तमिलनाडु में जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ से काफी सी हॉर्स माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड इस नदन पार्ट ओडिशा की कोर्स की तरफ क्योंकि यहाँ पे बहुत थ्रेट हो रहा है उनको सी हॉर्स को तो ये करंट अफेयर्स में चल रहा है सी हॉर्स क्या होगा आंसर काफी लोगों ने डी लिखा है ये सी हॉर्स का लेक्चर लिया था कि नहीं मैंने बताओ सच में बताओ जिन्होंने करंट अफेयर्स किया अपना ये स्पीसीज मैंने दिखाई थी कि नहीं आपको जी बिल्कुल दिखाई थी ना ये करंट अफेयर्स में देखा था हमने माइग्रेशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा सी हॉर्स का और कोरोमंडल कोस में थ्रेट हुआ इनको तो ये जो सी हॉर्स है इधर ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला तो ये फिश कैटेगरी में आता है ये मैमल नहीं है सो इट्स अ फिश कैटेगरी अंडरस्टूड ये आता है फिश कैटेगरी में और बाकी ये जो है डुगोंग यस इट इज़ डुगोंग और ये तो आप जानते हो अब भी हमने देखा इट्स अ सी काऊ और काऊ है तो बेसिकली ये मैमल कैटेगरी में आता है जैसे व्हेल होगा डॉल्फिन है है ना और ये क्या दिख रहा है आपको व्हेल होगा डॉल्फिन होगा ये सब क्या है कि सी मैमल है एंड इवन दिस डुगोंग ऑल्सो शार्क भी सी मैमल है ये ट्रू है या फॉल्स है इट्स ट्रू और फॉल्स शार्क ऑल्सो इस बताओ क्या है वेल डॉल्फिन एंड शार्क इज सी मैमल इज दैट ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट सही है या गलत है अरे भाई शार्क जो है वो मैमल नहीं है वो फिश है समझ में आ रहा है तो प्लीज इनको देख लो सी मैमल कौन से सी फिश कौन से तो ये फिश है गलत है गलत फॉल्स बताया मैंने फॉल्स है वो स्टेटमेंट है ना तो व्हेल है डॉल्फिन है वहाँ तक लिमिटेड रखो सी काउट डुगांग तक लिमिटेड रखो सी लायन है ना इनको कहते हैं सी लायन जो सील जैसे होते हो उनको सी लायन कहा जाता है तो ये सभी क्या है मैमल है सी मैमल बट शार्क हो गया ये सी हॉर्स हो गया दिस इज फिश कैटेगरी तो प्लीज़ आज हो सके तो सी मैमल के है ना एक लिस्ट ही बना लो ओके और उसको पढ़ लो ठीक है चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन टेल मकाउ आपने एक ऑब्जर्व किया इतने तेईस क्वेश्चन में एक तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक तो स्पीसीज यूनिक है या न्यूज में है उन पे क्वेश्चन ज्यादा है यस अनुराग हिंदी में मैं बता रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं ज्यादा मुश्किल नहीं है कोशिश करो यस लाइन टेल मकाउ जो है वो नेचुरली कहाँ मिलता है ऐसा क्वेश्चन है इतना तो हमें इंग्लिश समझना ही होगा क्योंकि काफी सारा कंटेंट इंग्लिश में होता है यस वेरी गुड विश्वा बहुत अच्छे दिस लाइन टेल मकाउ है ना लाइन टेल मकाउ पता नहीं ये दिख रहा है लालटेल मकाऊ इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट दिख रहा है इतना बोल रहा है ना आपको चिल्ला चिल्ला के कि भाई मैं वेस्टर्न घाट में मिलता हूँ बस है ना नीलगिरी में ही मिलते ये सिर्फ नीलगिरी में या नीलगिरी के साउथ में मिलता है ना अन्नामलाई वगैरह रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पूरे वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का साउथ वाला नीलगिरी एंड साउथवर्ड सेक्शन में मिलता है नीलगी मतलब महाराष्ट्र में मिलेगा क्या फिर वेस्टर्न घाट में नो महाराष्ट्र में वगैरह नहीं मिलते कर्नाटक में भी नॉर्थ तक नहीं मिलते मतलब एकदम साउथ में नीलगिरी के पास जो है तो वहाँ से मिलेगा आपको ये और देखो लिमिटेड हैबिटेट है ना लाइन टेल मकाऊ का एक तो नीलगिरी और अन्ना का सेक्शन या ये केरला एंड तमिलनाडु की बॉर्डर या फिर कर्नाटक का पार्ट ये तीनों में ही दिखेगा आपको और मुझे बताओ आंध्र प्रदेश इधर आता है कि नहीं लगभग ये ऐसा कुछ आंध्र प्रदेश है नीचे तो आंध्र प्रदेश में वेस्टर्न घाट जाती है क्या नो तो ये वैसे भी वेस्टर्न घाट में लिमिटेड है और आंध्र प्रदेश से वेस्टर्न घाट जाती कहूँ तो इसलिए आंध्र प्रदेश आना चाहिए कि यहाँ पे नहीं कट कर लो उसको तो आंध्र प्रदेश इज़ लॉन्ग स्टेटमेंट आंध्र प्रदेश रहेगा क्या तो यहाँ पे तीन स्टेट का बॉर्डर है केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु तो जंक्शन ऑफ नीलगिरी जो है नीलगिरी माउंटेन रेंज ये तीन स्टेट में आती है नीलगिरी माउंटेन रेंज तीन स्टेट में आती है कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु आंध्र का कोई संबंध नहीं आंध्रा बहुत ऊपर है उधर आंध्र प्रदेश उसको कट कर लो ठीक है तो इसलिए लाइन टेल मका समझ में आ रहा है इतने पहले तीन सही सरेगे वन टू थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन अंडरस्टूड गेटिंग अ पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको अंडरस्टूड एवरी वन एनी क्वेश्चन टू दिस

क्या होगा आंसर देखो ऐसे फिर से फिर से वही है पैटर्न देखो आप पैटर्न समझो बुक के भरोसे मत रहो आप कोई बुक पढ़ोगे शंकर आयस पी या कोई भी बुक मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं और जाओगे फिर सर मैंने दस बार पढ़ी वो बुक वेल नोन बुक और फिर मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम और मेरे सब क्वेश्चन हिट हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे नहीं हार्डली बीस में से दो चार क्वेश्चन हिट हो गए बट देखो ये ऐसा कुछ भी पूछ रहे वो क्योंकि ये करंट में था ठीक है सी बक्थ्रॉन क्योंकि गवर्नमेंट की तब पॉलिसीज वगैरह चल रही थी कि इसको बढ़ाए थोड़ा सा नंबर्स में इज रिच इन सोर्स ऑफ बायोडीजल दिया है इट हैज़ कंट्रोलिंग सॉयल इरोजन इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन ओके एंड इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू दिया वेल एडाप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज यस ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका सी आंसर है वन एंड थ्री है ना तो ये थर्ड ऑप्शन हाई एल्टीट्यूड्स में कोल्ड रीजन ये थोड़ा कूल cool रीजन में आता है राइट एंड सोइली इरोजन रोकने में डेजेटिवेशन रोकने में ये काफी मदद करता है फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि जो बायोडीजल के लिए मतलब उसको यूज किया जाए एंड टिम्बर ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू भी ये गलत हो जाता है आंसर विल बी सी वन एंड थ्री ओके द सी बथराम इज अ मीडियम साइज हार्डी डेसिडियस श्रब है ये नॉट टिम्बर दिख रहा है ये देखो श्रब जैसा ही है तो ये होते देखो सी बक्थरम दिख रहा है सबको तो ऐसे होते हैं ये सी बख्त तो इसलिए फिर ये श्रब कैटेगरी में आता है नॉट टिम्बर इट्स नॉट वुड नॉट वुड ओके यार टिम्बर है क्या ये नहीं है राइट तो right? इसलिए ये गलत हो जाता है तो इसलिए फिर लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है थर्ड अगर कट कर लो सॉरी फोर्थ अगर कट कर लो तो आपके दो ऑप्शन वैसे भी कट हो जाते हैं वन तो वैसे भी करेक्ट है बस तो थ्री चेक कर लो थ्री न्यूट्रिशनल वैल्यू इज वेल एडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड कंडीशन यस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुल cool एरियाज है ना वहाँ पे ये काफी मिलती है यूरोप में भी काफ़ी चलो नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीसीजा मतलब ये दो हजार बारह का क्वेश्चन है आज केस में ये थोड़ा सा अप्लाई नहीं होगा ये क्वेश्चन बट देखो ये मैंने कहा न 2013 से पहले ऐसे क्वेश्चन दिखते थे कैटेगरी वाइज ठीक है अभी इसका टेंशन मत लो अब इसमें काफ़ी चेंजेस हो गए अभी जैसे कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था ओके देन आफ्टर दैट इसमें भी कुछ बाकी वलनरेबल वगैरह आते थे लाइन टेल मकाउ भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में समझ लो आ गया बट यहाँ पे अभी देखा जाए तो ये सभी एंडेंजर्ड थे के केस में चाहे वो ये मस्ट डियर हो जो कि स्नो कवर्ड एरिया में हायर पार्ट ऑफ द हिमालय उत्तराखंड हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में ये मिलते हैं ये कौन से यस yes. ये कौन से डियर है मस्ट डियर मस्ट डियर काफ़ी बार पूछा गया है यूपीएससी में तीन बार तो भी पूछा गया तो इसलिए ये स्नो के रीजन में ज़्यादातर मिलते हैं ऊंचाई पे मिलते हैं हिमालय में बाकी डियर आप देखोगे स्पॉटेड डियर है ना बाकी सभी मतलब स्वैम डियर बारासिंगा डियर देन बार्किंग डियर संगय डियर ये सब वेटलैंड वगैरह में मिलते हैं राइट एक ही डियर है कि जो आपको याद रखना है जो तो कि स्नो की तरफ मिलता है राइट तो ये आज के लेवल में इंडेंजर्ड ही है बट दिस इज नॉट एंडेंजर्ड नाउ दिस इज रेड इंडियन बस्टर्ड इज नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत नंबर कम हो चुके हैं ओके एग्जैक्टली और ये बाकी रेड पांडा वगैरह वो तो आज भी नॉर्मल कंडीशन में और ये भी एंडेंजर्ड इंडेंजर्ड है ये कहाँ पर मिलते हैं बताओ ये कहाँ मिलता है फास्ट कौन है ये ऊपर जो दिख रहे हैं वो कौन है एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते रहे बाबा प्रिया प्रिया ऐसा मत करो नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते ये ये है इंडियन वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ ओके और ये कहाँ मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में एग्जैक्टली exactly. ओके okay. इस पर भी क्वेश्चन आके गया है ऑलरेडी ये मिलते रन ऑफ कच्छ में और ये बाकी तो ये तो बहुत बहुत फेमस है यस रेड पांडा इट इज़ वॉट रेड पांडा और ये कहाँ मिलते हैं यूज ज़्यादातर ये मिलते हैं सिक्किम में ये कहाँ मिलते है सिक्किम में ओके okay. बाकी फिर नॉर्थ ईस्ट में वगैरह भी मिलता है एंड थोड़ा हाई अल्टीट्यूड्स पे आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं बट मॉडरेट लेवल पे मतलब मिडल हिमालय शिवालिक हिमालय में मिलता तो है साउथ इंडिया में नहीं मिलते रेड पांडा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है स्पीसीज इन द न्यूज़ हमेशा वही टाइप दिख रहा है देखो एंटीलोप्स डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप ओरिक्स एंड चिरू में क्या फ़र्क है नॉर्थ ईस्ट है चलो फास्ट आंसर क्या होगा क्या आंसर है इसका B. काफी लोग डी आंसर कर रहे हैं डी कौन ही है ये भोला बोली भारत वर्षी वंशी कौन ही है डी कौन है नाम क्या है yes. तो चलो देखते हैं फिर आंसर विल बी ए फॉर दिस ओरिक्स इज एडप्टेड टू लिव इन हॉट कंडीशंस ओके एंड अरिड एरियाज़ वेराज चिरू जो है वो तिबेटियन एंटीलोब भी कहा जाता है इनको जो कि तिबेट के रीजन में मिलते हैं देखो ये वाले हैं तो ये कूल cool एरियाज में रहता है अंडर स्टूड यस लद्दाख में हिमाचल प्रदेश है ना तो इस रीजन में ये चिरू मिलते हैं तिबेटियन एंटीलोब भी कहा जाता है सिर्फ इंडिया में मिलते हैं क्या बाहर भी मिलता है तिबेट वगैरह रीजन्स में बट ये कूल cool कंडीशन में रहने के लिए बने हैं स्टेपीज एंड सेमी अरिड एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन बिल्कुल लद्दाख वगैरह द वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिसंट ठीक है चलो गुड चलो यहाँ तक क्लियर है सबको नेक्स्ट देखो बायोडा सिटी को थ्रेट होगा ऐसे कौन से स्टेटमेंट है इसमें इस से अच्छा ओके ओके सो मल चलो क्या होगा इसका आंसर लॉजिक लगाओ इसमें देखो ये बुक के बाहर है फिर से वही है आप क्या सोचते हो उस पर डिपेंड है ये क्वेश्चन पूरा गुड विश्वा फोर्थ स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको जरा मैनिपुलेट कर दिया देखो यूपीएससी ने फिर से भाई मतलब वेजिटेरियन बन जाओ तो बायोडासीटी बच जाएगी अलग नहीं लग रहा आपको ये जरा प्रमोट करेंगे वेजिटेरिज्म अब इंडिया में बोल के दिखाओ कि भाई नॉनवेज नहीं खाना है ऐसा चलेगा क्या ऐसे कुछ भी नहीं खाना है मीठी नहीं खाना है कोई भी प्रकार का नहीं खाना है कोई भी प्रकार का प्रमोशन ऐसा कोई गवर्नमेंट करता है कभी डेफिनेटली नहीं करेंगे राइट right? तो इससे फिर कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया मतलब प्रमोशन करेंगे हम वेजिटेरियनिज्म का और उससे फिर बायोडर्सिटी को थ्रेट होगा ओके okay, मतलब नॉट नेसेसरी सभी एडप्ट करेंगे उसको प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे और सब ने एडअप भी कर लिया तो इतना ऐसे एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होगा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कभी मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट है तो बस ओनली वन टू थ्री इज का करेंगे ग्लोबल वार्मिंग यस एबिडी थ्रेट करेगा फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट मतलब एखाद कोई अधिवास है तो उसको है ना हम मैनिपुलेट कर रहे या फिर वहाँ पर मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ तो इससे वो पूरा कम होते जा रहा है फ्रैगमेंट मतलब टूट रहा है इन्वेजिव स्पीसीज आप जानते हो क्या है इन्वेजिव स्पीसीज आने के बाद भी धोखा हो सकता है राइट वन टू थ्री इज़ करेक्ट एंड फोर ऑब्वियसली मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट है फोर कट कर लो दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास राइट और वन तो वैसे भी करेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग रहेगा ही ठीक है चलो अगेन अनादर क्वेश्चन ऑन नेचुरली फाउंड इन इंडिया Yes. Okay. So answer will be, yes. Naturally का है ना तो सेकंड कट कर लो सीधा सीधा क्योंकि नेचुरली अब चीता बचा अब भी तो हमने देखा ना सेम सेम पैटर्न से अब भी मैंने पढ़ा है आपको कि चीता मिलेगा क्या नो तो आंसर विल बी वॉट बी सिंपल अभी हमने देखा इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा ब्लैक लद्दाख का स्टेट एनिमल है तो बचा नहीं है फ्लाइंग स्क्ल काफी जगह पे मिल जाते हैं नाम धापा का राइट वो काफी फेमस है किधर किधर आता आता है है अरुणाचल प्रदेश में आता है ना तो अरुणाचल प्रदेश का नाम धापा जो है तो वहां पर एक फ्लाइंग स्क्वेल है वहां के इंडे में के वो स्नो लेपर्ड मिलता है कि इंडिया में ये काफी जगह पे मतलब हिमालय के रीजन में मिल जाता है राइट ये फोर इज करेक्ट सो बस चीता कट कर दो So we'll next, you we'll fast. क्या होगा वल्चर्स वल्चर्स और तब से देखो वल्चर्स को थ्रेट चल रहा है बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा एंटी इंफ्लेमेटरी जो यूज किया जाता है काउस पे और वल्चर उनको जब एसिडेड काउस को खाते हैं तो उनके अंदर भी वो बायोमैग्निफिकेशन से केमिकल चला जाता है और उनसे काफी वल्चर की इंडिया में डेथ हुई ड्रास्टिकली डिक्रीज अगर कोई इंडिया में हुआ है तो वो वल्चर से वल्चर के भी नौ टाइप आते हैं लगभग सभी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो यूपीएस से ऐसे कभी नहीं पूछता है बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से वो थोड़ा देख लो और वल्चर अभी काफ़ी सारे वल्चर्स के स्पीसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं ओके यस एग्जैक्टली तो आंसर क्या होगा फिर इसमें बी वेरी नाइस nice, क्योंकि अब भी हमने देखा ड्रग यूज फॉर कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग दैट डिस कैटल और उस वजह से इनका अभी न्यूज़ में थे और इनके नंबर काफ़ी कम हो चुके राइट गुड चलो ठीक है ओके तो डाइक्लोफिनाक के बारे में थोड़ा सा देख लेना और अभी भी न्यूज़ में चल ही रहा है कुछ ना कुछ तो ये देखो है ना इनके किडनी को फेल्योर कर सकता है तो काफ़ी सारे इशूज़ यहाँ पे देखे गए ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो सैंडी एंड सलाइन एरिया इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन दैट दैट स्पीसीज और उनको कोई प्रेडेटर का डर नहीं है मतलब वहाँ पे कोई लायन नहीं है चिता नहीं है टाइगर नहीं है लियोपर्ड नहीं है जो प्रेडिटर नहीं है वहाँ पे कोई फुल मस्त आराम से रह रहे वो हर्बीवोर वोर या जो भी है ऐसी स्पीसीज कौन सी है और वो कहाँ पे मिलती बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट हाँ ह्यूमन की वजह से डिस्ट्रक्शन हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन ह्यूम की वजह से ही होता है उससे थोड़ा थ्रेट हुआ है इनको बट ऐसा कौन सा एनिमल है कि जिसको कोई प्रेडिटर का डर नहीं है समझ में आ प्रेटर मतलब वो उसको खाने वाले राइट यस आंसर विल बी बी इंडियन वाइल्ड लाइफ अब भी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले जो रन ऑफ कच में मिलता है इंडियन वाइल्ड लाइफ है ना तो उनमें हमने क्या देखा यस yes, वो उनके नंबर अभी काफ़ी कम हो चुके हैं राइट तो वो इंडियन वाइल्ड लाइफ में आ जाएगी राइट चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जस्ट सेकंड ठीक है पर चलो इंडियन वाइल्ड लाइफ याद तो है सबको कहाँ मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में और रन ऑफ कच्छ तक अगर आप देखोगे इंडिया के तो रन ऑफ कच्छ तक कोई स्पीसीज जाती है यहाँ तक मतलब इसके वेस्ट में अगर देखोगे तो कोई स्पीसीज आ रही है कभी मतलब देखो अगर इंडिया में आप देखोगे एक मिनट मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा दिखा देता हूँ देखो इसमें देखो तो इंडिया के वेस्ट में टाइगर कहाँ तक लिमिटेड है हमने टाइगर रिजर्व का सेशन देखा था गुजरात में टाइगर है क्या नहीं है लायन भी हो गए तो यहाँ तक ही लिमिटेड है क्योंकि okay, अरावली के पीछे है क्या टाइगर्स नो no. है ना और हरियाणा पंजाब में तो कोई संबंध ही नहीं है राइट तो यहाँ तक ही है मतलब और रही बात लियो वगैरह तो मिल जाएगी यहाँ पे थोड़े बहुत बट इस रन ऑफ कच्छ के एरिया में है ना रन ऑफ कच्छ के एरिया में देर इज नो थ्रेट ऑफ प्रेडेटर अंडरस्टूड इसलिए फिर यहाँ पे मतलब कोई डर नहीं बेसिकली है वो डर नहीं चलो ठीक है आई होप एवरी अंडरस्टेंड की क्वेश्चन का मीनिंग क्या था वो समझ में आया सबको चलो बढ़ते आगे आंसर विल बी इंडियन वाइल्ड लाइस क्योंकि बफेलो तो ऐसा होगा नहीं वाइल्ड बफेलो आसाम में भी मिलते हैं वहाँ पे टाइगर्स है वाइल्ड बोर जो है तो वो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे भी टाइगर्स है इंडियन गेजल देखा जाए तो वो तो आ, इंडियन गेजल मतलब चिंकारा चिंगकारा पता है आपको चिंगकारा चिंगकारा काफ़ी जगह पे इंडिया में मिलते हैं तो वहाँ पे भी उनको भी मतलब प्रेडेटर का कुछ ना कुछ तो है ही राइट चलो नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस अच्छे से अटेंड करो यस सी yes, रहेगा ना बिल्कुल तो इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड लोअर लैटिट्यूड मतलब क्या कि जितना आप इक्वेटर के पास हो जीरो डिग्री इक्वेटर उसको हम बोलते हैं लो लैटिट्यूड्स और जितना मैं 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ नॉर्थ या साउथ 90 डिग्री नॉर्थ या नाइन्टी डिग्री साउथ तो उस एरिया को मैं क्या कहता हूँ हाई लेटीट्यूड्स तो मुझे बताओ बायोडासिटी जो है नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटीट्यूड तो सही है क्या बिल्कुल इक्वेटर के पास रेनफॉल ज़्यादा है सनलाइट अच्छे है इसलिए हाई बायोडासिटी रहेगी राइट और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वैसा सनलाइट भी कम है और रेनफॉल भी कम है तो इसलिए यहाँ पर बायोडासिटी कम होती जाएगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट बराबर लैटीट्यूड के बारे में सेकेंड है हाई अल्टीट्यूड तो अल्टीट्यूड वाइज मतलब हाइट वाइज चेंज होगा क्या बिल्कुल तो लो हाइट पे आप जाओ आल्टीट्यूड मतलब हाइट तो लो हाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको बायोडासिटी ज़्यादा मिलेगी क्या बिल्कुल हाई मिलेगी ओके तो देखो नॉर्मल माउंटेन ग्रेडियंट्स पे नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर अल्टीट्यूड कम हाइट पे ज़्यादा बायोसिटी मिलेगी बिल्कुल मिलेगी बट वही मैंने बोला हिमालय के सबसे ऊंचे जगह पर जाओ सियाचिन जाओ तो सियाचिन में उतनी बायोडासिटी मिलेगी क्या आपको डेफिनेटली नॉट कम्पेयर टू द हाइयर अल्टीट्यूड नो हायर आल्टीट्यूड में लेस होती है बारह से यहां तक तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है बोथ इज करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फास्ट फास्ट आंसर करो चलो आंसर विल बी यस डी फॉर दिस ना कि सॉइल फॉर्मेशन भी नेचुरली होता है ना तो बिल्कुल अच्छा है हमारे लिए अच्छा होता है ना सॉइल होगी तो ही हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं बराबर है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन यस बिल्कुल क्योंकि अगर कोई माउंटेन पे मैं पेड़ लगाता हूँ बहुत ज़्यादा पेड़ लगाता हूँ राइट तो उन पेड़ों से क्या होगा सॉइल इरोजन रोका जा सकता है पे भी पेड़ लगाता हूँ तो उससे भी आप इरोजन रोक सकते हो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे हम वेटलैंड को किडनी ऑफ इको सिस्टम कहते हैं कि जो फिल्टर करती है एक प्रकार से राइट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप वो भी बायसिटी में नेचुरल चलता है तो ऑल डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है नेक्स्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन है नॉट अ साइट ऑफ इजी टू देखो दो हजार ग्यारह में थोड़े बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया करते थे चलो फास्ट ये सिंपल एंड है बॉटनिकल गार्डन एग्जैक्टली तो देखो बायस रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सिटू इन सिटू मतलब ऑन साइट हम कंजर्वेशन करते हैं और एक्स सिटू में क्या आता है कि जो हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में करते हैं राइट कि जहाँ पे हमने खुद ऐसा कुछ बनाया है और जू है है ना जैसे बॉटनिकल गार्डन है देखो या सफारी होते हैं डिफरेंट है ना दिया आई टेक्नोलॉजीज होती है इन फर्टी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा सीड बैंक हो गए पोलन बैंक जीन बैंक है ना होम गार्डनस होते हैं ये सब आपके क्या क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब सबसे लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे प्रिजर्वेशन करना वेरी लो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में तो ये सब हो गया एक्सीटो एक्सीटो मतलब ऑफ द साइट है ना जो नेचुरल हैबिटेट नहीं उसके बाहर ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में जू हो गए या बॉटनिकल गार्डन भी आए गए उसमें ठीक है और बाकी तो इन सीटो में तो यस yes, हॉटस्पॉट हो गए डिफरेंट बायसपी रिजर्व नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज है ना अब ये नंबर अलग है वो बात अलग है ठीक है बट चलो नेशनल पार्क सेंचुरीज बायसवी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व ओके कम्युनिटी रिजर्व एंड सैक्रेड ग्रूवस है ना सैक्रेड ग्रूव ऑल्सो ये सब क्या है इन टू कंजर्वेशन ठीक है मतलब ऑन द साइट उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं चलेगा यहाँ तक क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है हिमालय के एनरीचमेंट के बारे में देखो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व विश्वा आई डोंट थिंक कि उसको एकदम इतना डिटेल में जाके करो जो थोड़े करंट uh, में थे वो मैंने कुछ करंट अफेयर्स में कवर किया बायोडासीटी रिलेटेड वन ईयर करंट अफेयर्स ऐसा सेशन मैंने स्पेशल क्लास में लिया था वहां पे उसको देख लो बट ज्यादा उसमें डिटेल मचाओ येस आंसर विल बी बी वेरी नाइस इट इज कन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन मतलब यस yes, अब देखो एग्जॉटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बिन इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बिन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन ऐसा तो कभी होगा नहीं कि इन्वेजिव आए नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी पर राइट right? अब बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है अभी कुछ ना कुछ रीजन से कंटेमिनेशन तो हो जाता है तो सी कट कर दे इट हैज अ लेस ह्यूमन इंटरफेन्स ऐसा तो है नहीं उत्तराखंड देख लो जोशीमठ देख लो इतना ज़्यादा इशू है हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियन इतना भी रेनफॉल नहीं है हर जगह पे हिमालय में दैट इज रॉन्ग बट हाँ एक चीज़ है कि अगर आप ढंग से थोड़ा सा मैप देख लो इंडिया का तो आपको क्या दिखेगा कि जो आ, इंडिया के शिवालिक का पार्ट है है ना तो शिवालिक एक ऐसा एक काम करती है कि जो एक डिवाइड कर रही है नेचुरली है ना देखो अब ये शिवालिक है समझ लो फिर ग्रेट मिडिल हिमालय फिर ग्रेट हिमालय लाइक दिस तो इंडिया के शिवालिक के ऊपर पहली आर्टिक रियाम है पहली आर्टिक रियाम एंड okay, इसके नीचे कौन सा है फिर इंडो मलायन विच वन इंडो रिया. Got it, everyone? तो फिर इसका मतलब क्या है? एक ही एरिया में आपको मल्टीपल हाइट वाइज ट्रॉपिकल भी मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल मिलेंगे, टेम्परेट मिलेंगे, सब टेम्परेट मिलेंगे, अल्पाइन भी मिलेंगे, है ना लाइक like दिस मल्टीपल प्रकार के ट्री एक ही जगह पर इसका बेस्ट एग्जांपल है नाम धापा पता है ना सबको नाम धापा याम धापा है फिर आपका यस नेवरा वैली है नेवरा वैली इन वेस्ट बंगाल है ना तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे मल्टीपल प्रकार के आपको ट्रीज मिलेगी मल्टीपल प्रकार के वेजिटेशन मिलेगी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट सब टेम्परेट एंड अल्पेनॉल्स सो इसलिए ये जो यूनिकनेस है वो आपको साउथ में नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी हाइट नहीं है यहाँ पे बस आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वगैरह ही मिलेगी राइट right? तो ये जो यूनिकनेस है वो हिमालय में हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंट हाइटर वॉट इट एवरी थर्टी फोर क्वेश्चन हैं पूरे इस पे प्रोटेक्टेड एरियाज पे राइट सॉरी पे अब थोड़ा सा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायसपी रिजो देखते हैं बहुत बार हमने वैसे तो ये कवर किया है बट काफी सारे आज न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके लिए फटाफट फट 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 फास्ट कवर कर लेते हैं जो पुराने स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं फास्ट फास्ट कवर करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट फिर से देखो नेचुरल हैबिटेट वही टाइप का क्वेश्चन है नेचुरली कौन से हैबिटेट में आपको मस्ट डियर मिलेगा मस्ट डियर मैंने बताया ना ये कहा मिलता है स्नो में स्नो एरिया में क्या होगा आंसर यस किशनपुर कहां पे आता है किशनपुर अभी रिसेंटली मैंने यूपी के नेशनल पार्क कवर करवाए थे यूपी का दुधवा जो नेशनल पार्क है तो उसका ही सब पार्ट कौन है किशनपुर इवन मैंने टाइगर रिजर्व भी कवर करवाए थे उसमें भी मैंने दुधवा टाइगर रिजर्व का एक सेशन लिया था टाइगर रिजर्व ऑल टाइगर रिजर्व फिफ्टी टाइगर रिजर्व में तो किशनपुर जो है तो वो आपको यूपी के पार्ट में तराई के रीजन में मिलेगा और तराई मतलब दलदल वाला क्षेत्र है तो ये मिलेगा क्या वहाँ पे स्नो है ना बिल्कुल नहीं मिलेगा राइट तो किशनपुर कट हो गया मानस तो आप जानते हो मानस अगर देखो तो मानस भी एक आसाम का ऐसा पार्ट है वो जो दलदल वाला वेटलैंड वाला क्षेत्र है तो वहां पे ये मिलेगा वाला मिलेगा क्या स्नो वाला मिलेगा नो तो इसको भी कट कर दिया तो ऑप्शन क्या है वन एंड टू एस्कॉट उत्तराखंड एंड गंगोत्री ऑल्सो उत्तराखंड ठीक है समझ में आया और ये स्टेट एनिमल भी है उत्तराखंड का उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है ठीक है, ये मस्ट जो है तो उसके लिए हाई वैल्यूएबल माना जाता है ना वो सेंटेड मस्ट स्पॉट होता है उसके लिए एंड उसके लिए उसका पोचिंग भी बहुत ज्यादा देखा गया है चलो और ये बाकी गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अच्छे खासे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो गंगोत्री पता है कहाँ पे उत्तराखंड में देख लो नॉर्थ की तरफ दिखेगा केदारनाथ गंगोत्री के नॉर्थ ईस्ट में ठीक है बाकी मानस देख लो कहाँ पे मैंने बताया आपको ये थोड़ा शिवालिक के साउथ में आएगा तो दलदल वाला क्षेत्र है वहाँ पे नहीं मिलेगा है ना यहाँ पे स्वयं डियर वगैरह मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट दुधवा तो मैंने बताया कहाँ पे आपको वो भी समझ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सुपर सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वयं डियर बारा सिंगा वही क्वेश्चन देखो इन द न्यूज़ क्या होगा आंसर यस वेरी गुड एमपी में कान्हा नेशनल पार्क में ये बारा सिंगा फेमस है स्वयं डियर बारा सिंगा है ना तो एमपी में आता है एग्जैक्टली ठीक है तो याद रखें बारा सिंगा वहाँ पर फेमस है बाकी मुदुमलाई में तो कोई संबंध नहीं क्योंकि वो ना थोड़ा हाइट वाला पार्ट है तमिलनाडु में आता है मुदुमलाई वहाँ पर एलिफेंट टाइगर वगैरह बाकी स्पॉटेड डियर वगैरह फेमस है ओके okay, तल चप्पर कहाँ आता है बताओ जरा अभी ये न्यूज़ में भी था तल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यस, <clears throat> yes. लचपर अभी न्यूज में था देखो माइग्रेटरी स्पीसीज के रिलेटेड काफी बर्ड्स वगैरह आए थे यहाँ पे चिंकार अभी फेमस है यहाँ पे ये सिटीज़न राजस्थान ना, राजस्थान इसको देख लेना तल चप्पर यस वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या इज देर इशू इशू इन वॉइस आवाज़ ठीक से आ रही है सबको ठीक हाँ। है आपके एंड से रिफ्रेश कर लो जिनको इको हो रहा है ना सलोनी ठीक है चलो, चलो। तो, तो स्वयं तो डियर समझ में आया सबको तो, तो तल चप्पर देख लो एक बार ये भी कुछ डियर के लिए फेमस है तल चप्पर देखो यहाँ पे आता है मतलब अरावली के वेस्ट में दिख रहा है अरावली के वेस्ट में तल चप्पर

आ, टाइगर रिजर्व के सेशन में कवर करवाया था चलो देखते हैं किसने कितना पढ़ा है टाइगर रिजर्व देखो बहुत लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं क्लास को यही होता है यूपीएससी में है ना एंड तक जो टिके रहते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं बाकी लोग क्या है ना अपने आप से ही हार जाते हैं क्या ये बाकी क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सभी तो इंपॉर्टेंट है पहले, पहले पहले इतना अच्छा लेक्चर करते हो फिर एग्जिट करते हो मतलब इतना भी पेशेंस नहीं खुद को आप तीन घंटे मूवी देख लेते हो बोरिंग भी होगा तो भी पैसे देके थिएटर में देख लेते हो और क्लास सीधा दो घंटे की भी आपको बोर हो जाए तो छोड़ देते हो ऐसा मत करो देखो पचास में से अभी पच्चीस ही बचा है क्या होगा ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा और कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के खुद के यूपीएससी क्वेश्चन देख रहे हैं हम ऐसे टाइम पास क्वेश्चन तो नहीं देख रहे कोई ठीक है तो एंड तक बने रहो यूपीएससी उनकी ही निकलती है कि जो एंड तक अपने एफर्ट्स बनाए रखते हैं और फिर अगर सच में आप बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे एफर्ट्स दे के पढ़ रहे हो तो देखो यूपीएससी निकलती है याद रखना मेहनत करते रहो एंड तक टिके रहो और ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो तो के, के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलने वाला है क्योंकि तो लास्ट तक टिकने वाले बहुत कम लोग हैं हैं तो वेरी लेस स्टूडेंट जो सच में यूपीएससी करते बाकी तो, तो बस अपने मूड के हिसाब से चलते चलो आंसर क्या होगा फिर क्रिटिकल अब मुझे बताओ चलो ये तो पता होना ही चाहिए आपको एन एनएसटीआर सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व सबसे लार्जेस्ट है बिल्कुल है सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का देखते, देखते आज किसने कितना सेशन देखा है वो समझ में आएगा सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है सबसे सब स्मॉलेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ये <laughs> सबसे स्मॉलेस्ट हाँ देखो फाइनली वही स्टूडेंट बचे हैं कि जो सच में एंड तक टिके रह सकते हैं सभी का आंसर बहुत अच्छा लगा देख के ओरंग है राइट एक्सैक्ट वेरी नाइस वेरी नाइस ओरंग है ना पन्ना आएगा कि नहीं पन्ना तो तो सेकेंड नंबर पे आएगा सेकेंड लास्ट है एरिया वाइज बहुत अच्छा ठीक है तो बाकी तो फिर ठीक है टाइगर के जितने भी नंबर है वो 53 है अभी के लिए 54 जब होगा तब देख लेना गुरु घासीदास अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है डिक्लेयर हुआ है मतलब लिस्ट में ऐड नहीं हुआ अभी जब होगा तब देखा टाइगर टाइगर के रिलेटेड मतलब जो भी पढ़ सकते हो वो पढ़ लो हाँ क्योंकि दो के बाद अब 2022 का सर्वे अभी रिलीज हुआ है तो इसलिए एनी थिंग रिलेटेड टू तो टाइगर इज गोइंग तो टू बी इम्पॉर्टेंट ओके उसका सेंसस कैसे जा, किया जाता है पग मार्किंग क्या होता है देन जैसे हमने देखा एम स्ट्रिप्स नाम से वो भी थोड़ा चेक कर लो टाइगर के जितने भी टाइगर रिजर्व है वो सभी स्टेट वाइज देख लेना और उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया है आपको प्ले में मिल जाएगा ठीक है वो पक्का, पक्का देख लेना हर एक स्टेट वाइज कौन से, से कहाँ पर क्या है क्या नहीं चलो नेक्स्ट टाइम what will be the answer yes answer will be c na very good so desert national park jaisalmer and barmer rajasthan mein aata hai do district mein hai bilkul sahi hai there is no human habitation jaisalmer barmer mein human habitation nahi hai aisa to bilkul bhi nahi hoga and uh, it is one of the natural habitat of the great indian bustard yes bilkul sahi hai तो हमने देखा ना डेजर्ट नेशनल पार्क जो है तो वो दो डिस्ट्रिक्ट में आता है जैसलमेर एंड बारमेर राइट Yes, बिल्कुल सही है ये और यहाँ पे कौन है फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है तो तब ये न्यूज़ में था तब डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फास्ट रैपिड अभी रैपिड आंसर करो फास्ट फास्ट कवर कर लेते हैं आरती ठीक है अब बाद में स्पेशल क्लास में आपका क्वेश्चन पूछ लेना लेनाडेमी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे हम डिस्कस चलो तो इसका अब भी हमने डिस्कस किया ना नाम धापा यूनिक फीचर क्या है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको ट्रीज मिलेगा अल्पाइन भी मिलेगी और देखो सबसे हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो वैसे वैसे देखो रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेसिडियस भी मिलते हैं मतलब पानझड़ी वाले वो भी मिलते हैं कॉर्निफेरस भी मिलते हैं अल्पाइन सब अल्पाइन है ना ऐसा जो सिस्टम आपको दिख रहा है वो आपको कहाँ मिलेगा नाम धापा में गेटिंग मा पॉइंट तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन विल बी बी फॉर दिस सॉरी ऑप्शन विल बी डी एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी इन्होंने क्या पूछा नेचुरल है कंप्लीटली पूछा अल्पाइन हाँ मिक्स में देखोगे पूरा मिक्स में हमने क्या देखा था नाम धापा आता है बट हाँ यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कंप्लीटली अल्पाइन तो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन में फिर मानस रहेगा क्या नो no, क्योंकि मानस में तो ट्रॉपिकल भी रहेगा नाम धापा में तो पूरा मिक्स है नेवरा वैली यस मोस्टली टेम्परेट मिलेगा यहाँ पे अल्पाइन इतनी भी हाइट नहीं है नेवरा वैली की तो टेम्परेट लेवल पे मिलेगा एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स यस इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और आप देखोगे वहाँ पर तो बस ग्रास वगैरह मिलेगी यहाँ पर हमने देखा था ना बग बग्याल नाम से जो ग्रास लैंडस हैं तो वो यहाँ पर मिलेंगे बग्याल है ना तो वो कहाँ पे मिलेगी न्यू दिस वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क इज इट बायी रिजो यस इट इज बायसपी रिजो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है क्या यस वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल में भी आ जाता है है yeah. ना तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो फोर्टी साइट्स है उसका मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ एकदम शॉर्ट एकदम बस लोकेशन दिखा दिखा के ऐसा कुछ लेक्चर है जिसमें मैं थर्टी टू कल्चरल सेवन नेचुरल एंड वन मिक्स ऐसे टोटल चालीस है ऑलमोस्ट हो चुके हैं कल परसों मैं इसको रिकॉर्ड record करके रिकॉर्डेड अवेलेबल कर दूंगा आपको बट पक्का देख लेना क्योंकि ढोलावीरा पे क्वेश्चन आया था कल्चरल साइट जब ऐड हुई थी था और इसके पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन दिखे तो ऑल फोर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थ्रू मैप्स ऐसा आपको मैं जल्द ही सेशन अवेलेबल करके दूंगा तो ज़रूर देख लेना उसको ठीक है चलो तो आंसर विल बी डी फॉर दिस नेक्स्ट है अगस्त मलाई बायसपेजो 18 बायोस्पेयरसो इंडिया के वो भी मैंने आपको दिए हैं इसमें ये कवर्ड है यस बिल्कुल amenable इट्स 20% तो दिखेंगे क्वेश्चन जो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं बट ठीक है करंट का टच अगर अच्छा होगा तो हो जाएगा क्या होगा आंसर यस yes, बिल्कुल नयार पेपर है शेंदुरूनी एंड कलकड मुंडन थराई टाइगरिस ठीक है तो ये इंडिया के साउथ में देखो नीलगिरी के भी साउथ में अन्नावलई जो एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट का पालघाट के बाद एक्सटेंशन आता है अन्नावलई एंड उसके बाद फिर कार्डमम में तो उसी कार्डमम में आपको अगस्थमल बायस प्रिजो दिखेगी नीलगिरी के भी साउथ में तो अगस्थमल बायस प्रिजो में जो पार्ट है वो कौन से कौन से फिर यस नेयार पेपारा शेंदुरूनी एंड कलक्कड़ मुंडन तुराई कौन सा कौन सा आता है नेयार पेपारा शेंदुरूनी एंड कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजोर्व ओके okay, एम टी आर मुदुमलाई देखोगे सत्यमंगलम ये कहाँ पे आता है यस ये किसके पार्ट है नीलगिरी बाय सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो एन बी आर का है नीलगिरी बायस रिजो देक्स्ट ये पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में आता है और आंध्र प्रदेश में ना ही नीलगिरी आता है ना ही अगस्त मलई आता है इसलिए ये कट हो गया कावल जो है वो तमिलनाडु सॉरी तेलंगाना में आता है तो वो भी कट हो गया श्री वेंकटेश्वरा आंध्र प्रदेश में आता है बराबर है श्री वेंकटेश्वर तो वो भी कट हो गया हमें अगस्त मलई मतलब केरला और तमिलनाडु चाहिए उनके बॉर्डर पे है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे राइट तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको समझना है पहला ऑप्शन इस करेक्ट ओके समझ में आया द फर्स्ट ऑप्शन तो इसका ऑल बायोस््रीजों का प्लीज़ जिन्होंने देखा नहीं अभी तक प्लेलिस्ट में जाके देख लेना ऑल बायोस््रीजो मैंने अठारह के अठारह कवर किए अब मुझे बताओ जिन्होंने किया है कि 18 में से बारा मैप साइट डिक्लेयर है यूनेस्को के द्वारा तो क्या उसमें अगस्तमलई आएगा मैप साइट में है अगस्तमलई यूनेस्को के मैन एंड बायिजो में नोटिफाइड है क्या यस और नो यस yes, बिल्कुल बहुत अच्छे है ना तो Was मैप साइट में आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा एग्जैक्टली वेरी नाइस ठीक है तो ऐसे वो भी देख लो ट्वेल्व में आता है कि नहीं आता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अकोई अब भी देखा हमने अकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स पक्के पक्के टाइगर रिजर्व इसको पक्के भी नाम से जाना जाता तो 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 है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कहाँ पे आएगा अभी हमने देखा हॉर्नबिल के लिए भी जो तो क्वेश्चन था इस पे था वो हॉर्नबिल के रिलेटेड यस आंसर विल बी है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर रिवर कौन सी फ्लो होती है चलो टाइगर रिजर्व में मैंने पढ़ाया था आपको कि इस पक्के से एक रिवर फ्लो होती है देखो इस पक्के से पक्के और नमेरी से एक रिवर फ्लो होती है और फिर ब्रह्मपुत्रा को जाके मिलती है पक्के और नमेरी लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है नमेरी आता है आसाम में और पक्के है अरुणाचल में तो वहाँ से एक रिवर फ्लो होकर देखो ब्रह्मपुत्रा को मिलती है वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट रिवर वेरी नाइस दैट इज कामिंग वेरी गुड और ये मैंने टाइगर रिजर्व के लेक्चर में पढ़ाया था वेरी गुड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फास्ट टॉपिकल टू सब टॉपिकल टेम्परेट भी है आर्टिक भी है अब भी थोड़ी देर पहले हमने मैंने गलती से वो इसका आंसर बताया था देखो आपको मतलब सभी प्रकार के वेजिटेशन लेके एक ही जगह पे यस दैट इज नाम अरुणाचल प्रदेश नाम अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे हाइट की वजह से पैलियार्टिक एंड इंडो मलायन के जंक्शन पे है पैलियार्टिक भी है यहाँ पे एंड इंडो मलायन है ना इंडो मलायन मतलब ट्रॉपिकल वाला तो दोनों के जंक्शन पे मिलता है ये वाला यस बोथ इज करेक्ट तो मतलब नाम धापा इज करेक्ट ओके ये नाम धापा टाइगर रिजर्व है क्या बिल्कुल वी कैन से दैट कि ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व अगर देखोगे तो नाम धापा ले सकते हो है ना नाम धापा टाइगर रिजर्व दिख रहा है सबको नाम धब्बा कमलंग एंड नाम धपा पास में आते थे इधर की तरफ चलो नेक्स्ट है फ्लोटिंग आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन आज का फ्री वाला क्वेश्चन चलो ये सभी दुनिया जानते हैं आपको भी जानना जरूरी है फ्लोटिंग वेजिटेशन वाला जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबल yes, लाम जाओ पे आता ये और लेक कौन सा है मणिपुर है ना यस yes, मणिपुर में मिलेगा आपको देखो मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना ऐसे इस प्रकार के दिस फ्लोटिंग प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी फेमस है और मते, मते ही नाम से यहाँ पे कुछ ट्राइब्स वगैरह है थोड़ा सा देख लेना मतेई ही, मतेई ही नाम से कुछ आते हैं मतई ट्राइब्स ओके okay. तो वो थोड़ा सा देख लो और अभी थ्रेट हो रहा है इसको ड्यू टू एच ए पी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एच ई पी प्लांट्स हो गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एंड राइस कल्टिवेशन की वजह से यहाँ पे कुछ थ्रेट वगैरह चल रहा था इसलिए इसको राम से साइट में तो रखा है बट मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में रखा है क्या इसको यस इट्स ऑल्सो इन द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में दो साइट आते हैं पहली है ये लोकटक समझ लो और दूसरी हमने देखा था यस yes, राजस्थान में कौन सी आती है केवला देवघाना राइट दिल्का था बट अब इसको निकाल दिया गया ठीक है वो भी फैक्ट थोड़े से देख लेना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइगर रिजर्व इसमें से कौन से आते हैं देखो दो हज़ार बारह में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे आजकल कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड आज की डेट में 53 है उसमें से भी चल जाएगा मतलब तब के और आज के इसमें ऑलमोस्ट आंसर सेम ही रहने वाले है। इस आंसर विल बी बी वन थ्री फोर मानस रहेगा क्या नो <coughs> no. तो मानस इज नॉट अ टाइगर रिजर्व बांदीपुरे भीतर का है सुंदरबन है मानस रहेगा क्या है ना मानस है ना क्या कर रहे हो बहुत लोग यस यस बोल रहे थे कोई तो भी यस yes. भीतरखनी नहीं है है ना मानस है सुंदरबन है एंड बांदीपुर है एग्जैक्टली तो भीतर खनिका इज नॉट देयर क्योंकि बहुत कोस के पास है यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है सॉल्ट टोटो क्रोकोडाइल वो तो कौन से आएगी सॉल्ट टोटोक्रोकोडाइल सिंप्लीपाल है देखो उड़ीसा में सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है दो आते हैं उड़ीसा में सिंपली पल एंड भीतर कनिका नहीं आएगा कनिका में मैंग्रो के लिए बहुत फेमस है और दूसरा फेमस क्या है कनिका में सॉल्ट ऑटो क्रोकोड़े या ऑलिव रिलेटेड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स वेरी गुड हरी के सही है ना हरिके कहाँ पे आता है पंजाब में है बिया है और सतलज इनके पॉइंट को हरीके बोलते हैं हम right? राइट जो दोनों कॉन्फिडेंस होती है दोनों मिलती है हरिकी के पास और यहीं से इंदिरा गांधी कैनल जाता है देखो राजस्थान में तो वहाँ पर भी वेटलैंड है बिल्कुल है वो भी रामसे साइड में आता है हरी के तो पहला स्टेटमेंट तो सही है केवला देव घाना जो तो कि एक मैनमेड वेटलैंड है लेक है मैनमेड हमने बनाया है वो बनास एंड चंबल में नहीं आता है बनास और चंबल काफ़ी इसकी तरफ है अगर आप देखो मैप में तो यहाँ पे देख सकते हो तो देख लो इसमें तो ये है चंबल रिवर लाइक दिस और बनास इधर नीचे से आती है देखो रणथंबोर उनके बीच में है है ना रणथंबोर आता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ाया था मैंने तो ये है बनास इधर से अरावली से जो निकल रही हो बनास है मालवा प्लाटो से निकलती वो है चंबल दिस बी के बीच में आता है रणथम्बोर ज़्यादा से ज़्यादा और देखो ये बॉर्डर पे फ्लो होकर बाद में डायरेक्टली यूपी में चली जाती है और जिसकी हम बात करें केवला देव घाना वो देखो कितना पश्चिम की तरफ है ना वेस्ट की तरफ है बहुत वेस्ट की तरफ है भरतपुर नेशनल पार्क के पास आता है दिख रहा है यहाँ पर भरतपुर तो वहाँ पर है केवला देव घाना ओके तो वहाँ पर है तो ये रिवर के कन्फ्लुएंस पर या बीच में है क्या दोनों के बिल्कुल भी नहीं बहुत दूर है इसलिए वो गलत हो गया सेकेंड इज नॉट करेक्ट सेकेंड इज नॉट करेक्ट गेटिंग माई पॉइंट कोलेरू मूसी ये किस ये किस स्टेट के कैपिटल इज लोकेटेड ऑन द मूसी रिवर हैदराबाद तेलंगाना का जो कैपिटल है मूसी वो मूसी रिवर पे आता है हैदराबाद में और कृष्णा कोलेरू लिख दिया है बट ये भी गलत है क्योंकि आप देखोगे तो देखो कृष्णा देखो यह है ऊपर से गोदावरी यह गोदावरी एंड यह है कृष्णा आंध्र प्रदेश में देखो ओके तो गोदावरी एंड कृष्णा इनके बीच में आता है दिस कोलेरुली ओके और तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है इधर इधर की तरफ राइट तो इसलिए ये मूसी मतलब देखो कोई संबंधी नहीं आता है कोलेरु लेक को और मूसे का को कोई रिलेशन नहीं क्योंकि इधर कुछ मूसी आएगी इधर आएगा हैदराबाद समझ लो तो, तो गलत हो जाता है यस थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग ओनली वन इज़ करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है सबको वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर यहाँ तक कोलेरु समझ में आया सबको ओके okay. देन बियास और <coughs> सतलज मिलते हैं वो समझ में आज सबको हरी के पॉइंट देखो यही है हरी के हरी के वेट तो ये पहला वाला सही है देखो है ना यहाँ से सतलज आ रही है ब्यास आ रही है दोनों के कॉन्फ्रेंस फिर उसके बाद सतलजैक्टली ठीक है।, exactly. है तो फर्स्ट करेक्ट चलो तो मुझे लगता है इसके आगे का हम मतलब मुझे लगा आज हो जाएगा बट वो भी कंटिन्यूड करते हैं हम ओके तो अगला सेशन जो होगा तो इसका एनवायरमेंट के काफ़ी और भी क्वेश्चन बाकी है इकोसिस्टम के बाक़ी है पोल्यूशन वाले भी बाकी है तो क्या स्पेशल क्लास में कवर करोगे इसको मतलब अटेंड करोगे स्पेशल क्लास में तो क्या करना है आपको देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबको अनएकेडमी पे प्रोफाइल पे जाके अपना फॉलो करके रखो आज ही मैं कुछ स्पेशल क्लासेस क्रिएट करके रख रहा हूँ कल के लिए और परसों ऑनवर्ड्स एक्सेट्रा ठीक है तो प्लीज़ उसको देखो वहाँ पे सभी पी वाई हम कंटिन्यू करें इवन मैं जोग्राफी का भी अब लेने वाला हूँ एग्रीकल्चर का भी बच्चे अभी तक अलर्ट पे नहीं हैं आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है तो पी देख लो तो शायद समझ जाओगे तो इसलिए आने वाले एक दो दिन हम पूरे पी लेने वाले हैं तो प्लीज़ फॉलो करके रखना अनएकेडमी पे प्रोफाइल पे एंड वहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस एस पी वाई क्यू की सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे ओके प्लीज डू दैट एंड यस सेशन को लाइक like करें जरूर जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ अभी चल रहा है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो और अभी जो बैचेस चल रही है उनको भी अटेंड करो बाकी यूपीएस अनस्टॉपेबल को भी सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में काफ़ी तो सारे मैंने ऑल बायस रिजर्व एलिफेंट रिजर्व टाइगर रिजर्व यू एन एफ ट्रीपल सी क्या है कॉप ट्वेंटी सेवन सभी रिकॉर्डेड में आपको अवेलेबल है आप इनके प्ले लिस्ट में जाके देख लेना आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा डोंट वरी ओके तो अभी तक अगर नहीं कि ऐसा कोई भी सेशन है तो वो ज़रूर अटेंड करें आपको आने वाले फिल्म या मेज़ में बहुत फ़ायदा होगा ओके okay? चलेगा तो थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू वो वो तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ओके आई होप सबको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में लाइव चैट नहीं अदर कमेंट बॉक्स होता है तो उसमें भी आपके फीडबैक्स वगैरह आप दे सकते हो एंड कुछ अगर आपकी तरफ से डिमांड है कि सर और कुछ चाहिए आपको तो प्लीज मुझे बता देना क्योंकि आपसे जब समझ में आएगा तभी मैं कुछ लेके आ सकता हूँ आपके लिए है ना कोई टॉपिक के रिलेटेड कवरेज तो प्लीज़ मुझसे वहाँ पर आप बात कर सकते हो चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप मैसेज ठीक है चलो तो थैंक यू